ऑस्ट्रेलिया का महामुकाबला शुरू हो जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा महामुकाबला यानी कि फाइनल मैच आज मेजबान भारत और पांच बार के विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। और इस मैच को लेकर बताया जा रहा है कि मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा, यानी कि अब से थोड़ी ही देर बाद का वो समय होगा जब भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच ये महामुकाबला शुरू हो जाएगा। लेकिन तकरीबन 1:30 बजे का वो समय होगा जब टॉस होगा, इसके बाद ये तय हो जाएगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन सी टीम पहले गेंदबाजी करेगी। लेकिन अब इस महामुकाबले का जो काउंटडाउन है साफ तौर पर कहा जाए तो वो शुरू हो चुका है। वहीं देखिए, चार अलग अलग जनपदों की ये चार अलग अलग तस्वीरें हैं। आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, प्रयागराज में बच्चों में उत्साह दिख रहा है। तो वहीं अगर आगरा की तस्वीरों पर गौर करें तो वर्ल्ड कप की जीत के लिए दुआओं का दौर जारी है। अलीगढ़ में भी जो बच्चे हैं वो मदरसों के अंदर दुआ पढ़ते हुए नजर आए, तो वहीं लखनऊ के स्कूलों में बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला है। इस दौरान कई ऐसे स्कूल भी है जहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि सभी बच्चे इस मैच का लुत्फ उठा सके। वहीं लखनऊ के आज सभी सिनेमाघरों में मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसके लिए टिकट्स भी लोगों ने खरीद ली है। लोगों का जो लोग हैं वो लगातार सिनेमाघरों की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे मैच का प्रसारण स्टेडियम में तो दिखाया ही जाएगा। स्टेडियम में मौजूद लोग तो देखेंगे ही, लेकिन सिनेमाघरों के अंदर भी लोग इस मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके साथ ही लखनऊ के कई ऐसे होटल्स भी चिन्हित किए गए हैं जहां बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, प्रोजेक्टर्स लगाए जाएंगे ताकि जो लोग हैं वो मैच का मजा उठा सके। तो वही देखिए, ये प्रयागराज की भी तस्वीरें हैं जहां दर्शन पूजन और आरती का दौर जारी है ताकि जो वर्ल्ड कप है वो एक बार फिर से भारत के पास आ सके, जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है वो एक बार फिर भारत के पास आ सके। तो 20 साल, जी हां 20 साल के लंबे इंतजार के बाद आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये महामुकाबला अभी तक के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं कलीम, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए केडी सिंह बाबू स्टेडियम से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए 1:30 बजे का वो समय होगा जब टॉस हो जाएगा, इस दौरान ये तय हो जाएगा कौन सी टीम गेंदबाजी करेगी, बल्लेबाजी करेगी। लेकिन उससे पहले आप इस वक्त केडी सिंह स्टेडियम में मौजूद है, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उत्साह कैसा है लोगों में कलीम? देखिए मुस्कान जी जिस तरीके से बात की जाए 2 बजे मैच की शुरुआत होगी, लेकिन मैच की शुरुआत से पहले ही जो लोगों के बीच वो उत्साह है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। फिलहाल राजधानी लखनऊ के जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है वहाँ की जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरों में साफ तौर से आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चों के हाथों में तिरंगा है और तिरंगे के साथ साथ लगातार जिस तरीके से इन लोगों के अंदर एक जश्न का माहौल दिख रहा है, उस जश्न के माहौल के बीच में ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, उनके हाथों में भी तिरंगा है। अगर हम मुस्कान जी इन बच्चों से बात भी करेंगे तो ये बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? गिरी जोशी। ये बताओ कि स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए कंगारू होंगे चित और इंडिया की जीत सुनिश्चित। जी हाँ, बड़े बड़े जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जो कोचेस हैं, वो भी इस बार यही उम्मीद कर रहे हैं कि हर एक मैच में जीत हासिल करने वाली इस वक्त इंडिया जो टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम है, वो इस वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो इस बार अपने भारत में ही लेकर के वापस आने वाली है। दरअसल इस बार के सभी मैच इंडिया में खेले गए, यानी कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप का मेजबान बना। इंडिया ने इस वर्ल्ड कप की मेजबानी की है और इस बार सारे ही मैच में भारतीय टीम अजेय रही है। लेकिन इस मैच की खास बात यह रही कि जो पहला महामुकाबला था वर्ल्ड कप का, वो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को एक कड़ी और करारी मात दी थी। लेकिन इस बार जो ऑस्ट्रेलिया है वो अब मजबूती के साथ एक बार फिर से वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो अपने पास लाने की कोशिश करेगी। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। जिस तरीके से बीते शाम रोहित शर्मा ने एक बयान में साफ तौर पर कहा था कि 2 सालों की कड़ी लंबी मेहनत के बाद हमारे पास अब ये अच्छी टीम तैयार हुई है, और जिस तरीके से हमने शानदार प्रदर्शन अब तक के सभी मैचों में किया था, ठीक उसी तर्ज पर इस बार का जो वर्ल्ड कप का आखिरी महामुकाबला है उसमें भी हम शानदार प्रदर्शन करेंगे। तो अब शानदार प्रदर्शन करने का मौका भारतीय क्रिकेट टीम के पास, और अब देखिए समय हो गया है तकरीबन 1:11 का, और 1:30 बजे यानी कि 1:30 पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस होगा। तब तय हो जाएगा कि आखिर कौन सी टीम पहले गेंदबाजी करेगी, कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। लेकिन उससे पहले इंडिया के हर एक एक को
जमाने में जो जोश है वो बिल्कुल हाई हो चुका है, क्योंकि 20 साल के एक लंबे इंतजार के बाद भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच ये महामुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। तमाम बड़े स्टार्स से लेकर के तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं, पूर्व क्रिकेटर्स हैं, उनका भी पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद का वो समय होगा जब इस मैच को खेला जाएगा। लेकिन इस मैच की एक खास बात यह है कि 20 साल के लंबे इंतजार के बाद तो ये मैच खेला ही जाएगा, लेकिन जिस पिच पर ये मैच खेला जा रहा है वो 7वें नंबर की पिच है, और उस पिच पे कहा जा रहा है कि जो रन रेट है वो थोड़ा स्लो रहने की उम्मीद है, चूंकि पिच में थोड़ी बहुत घास भी है, और अब अटकलें हैं कि जो पिच है वो थोड़ी स्लो रहेगी। ऐसे में अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये वही पिच है जहां भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला खेला गया था। अब वर्ल्ड कप का जो फाइनल महामुकाबला है वो भी उसी पिच पर खेला जाएगा जहां भारत ने पाकिस्तान को एक करारी हार दी थी। लेकिन अब ये जानना भी दिलचस्प है कि टीम इंडिया का इस वर्ल्ड कप में सफर कैसा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो 8 अक्टूबर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया, ये पहला मैच था, और दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। 11 अक्टूबर को ये मैच खेला गया, और तीसरा मैच 14 अक्टूबर को था जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था, और 19 नवंबर को चौथा मैच था जिसमें भारत ने बांग्लादेश को कुल 7 विकेटों से धूल चटाई थी, और 5वां मैच 22 अक्टूबर को भारत बनाम न्यूजीलैंड खेला गया था जिसमें भारत ने 4 विकेट से न्यूजीलैंड के सारे खानों को चित किया था। भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया था, और अगर हम 2 नवंबर के मैच की बात करें तो भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हराया था। ये 7वां मैच था, और 8वां मैच भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था, और ये मैच 5 नवंबर को खेला गया था, और 12 नवंबर में भारत ने नीदरलैंड को हराया था 160 रनों से, ये 9वां मैच था, और सेमीफाइनल भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हराया था, ये भारत का 10वां मैच था, और 11वां मैच यानी कि आज वर्ल्ड कप का फाइनल भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। तो इस ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको सीधे तौर पर यह बताने का प्रयास किया कि वर्ल्ड कप 2023 के महामुकाबले में भारतीय टीम जो है वो अजय रही है। 10 के 10 मैच भारत की टीम ने जीते हैं और एक बड़ी जीत दर्ज की है। अगर हम सेमीफाइनल की बात करें तो सेमीफाइनल में दोनों ही टीम जो इस वक्त वर्ल्ड कप का महामुकाबला खेलेंगी उनको एक तगड़ा झटका लगा है, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को सेमीफाइनल में झटका लगा है, तो वही भारतीय गेंदबाजों को भी सेमीफाइनल में एक तगड़ा झटका लगा है। अब ऐसे में दोनों ही टीम झटके से उभर के आ रही हैं, वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो के आ रही हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर जायजा ले रहे हैं कि आखिर लोग इस मैच को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और उन्होंने क्या तैयारियां की रखी हैं। ओवैस भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए ये महामुकाबला है, 20 साल के एक लंबे इंतजार के बाद अब भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, जिन्हें तो कंगारू कहा जाता है, वो आज आपस में टकराते हुए नजर आएंगे। लखनऊ की तस्वीरें कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि आज रविवार का दिन है। जी, भारत का ये बहुत बड़ा मुकाबला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइम मैं खड़ा हूँ पीवीआर सहारागंज में, और यहाँ पर ऑडियंस का तांता लगा हुआ है, तमाम लोगों में उत्साह है, जो यहाँ पे दर्शक है देखने आ रहे हैं, तमाम लोग हैं जिनमें भारत को लेकर एक बहुत बड़ा उत्साह है कि भारत ये मैच जीत के आए, और तमाम सिनेमाघरों में ये मैच दिखाया जा रहा है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं ऑडियंस, इनसे बात करेंगे, देखेंगे कि क्या है इनका जो है उत्साह, कैसे ये मैच देखने आई और क्या इनकी जो है बात है। मैच आप देखने आई है, क्या उत्साह है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ा मैच है इंडिया के लिए और हम लोगों के लिए, जो हम लोग चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप इंडिया जीते। मैं क्या क्या तैयारियां करी है जीतने के बाद? आपको मैंने पटाखे छोड़ने का इंतजाम किया और शोरगुल तो होगा ही होगा, और इंडिया बहुत बड़ा मैच है तो इंडिया जीते, हम लोग यही कामना है कि इंडिया वर्ल्ड कप लेके आए। तो ये सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा इंडिया टीम चीयर्स, और इंडिया को जीतना है, और इसी इंडिया टीम को सपोर्ट करने के लिए हम लोग घर में भी इस मैच को देख सकते थे, लेकिन ये एक पहला अनुभव है मेरे जीवन का, जो मेरा लाइफ का ये बेस्ट एक्सपीरियंस है कि किसी मल्टीप्लेक्स में विश्व कप का फाइनल दिखाया जा रहा है, और ये हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का पल है, गौरवशाली क्षण है कि हम भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच मल्टीप्लेक्स में, हमारा देश फाइनल में पहुंचा विश्व कप के, और इस मैच को बड़े पर्दे पर मल्टीप्लेक्स में देखने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं काफी रोमांचित हूँ, और इसीलिए सारे काम को छोड़कर मैं इस मैच को एंजॉय करने, टीम इंडिया को चीयर करने
आज मल्टीप्लेक्स में आया। तो ये थे मेरे साथ दर्शक, इन्होंने आपने देखा कि कितना उत्साह है, मतलब भारत को लेकर कितना उत्साह है। सभी दर्शकों में इस बात की खुशी है, खुशी की लहर है कि तमाम जो लोग हैं वो अपना काम छोड़ के घर पे नहीं, तमाम मल्टीप्लेक्स में मैच देखने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी जो उपलब्धि है, और ये इस बार भारत मैच चैंपियन बने, वर्ल्ड चैंपियन बने, इस उम्मीद से लोग बड़े उत्साह और हर्ष उल्लास के साथ तमाम जगहों पर, तमाम स्क्रीनों पर मैच देखने के लिए तमाम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ठीक है, लेकिन देखिए ओवैस लोग तो आ रहे हैं, आपने लोगों से बातचीत भी की है, और लाजमी है कि ये जो महामुकाबला है ये हर एक भारतीय के लिए बहुत दिलचस्प, बहुत बड़ा है। आप इस महामुकाबले को लेकर कितने उत्साहित हैं और आप इस महामुकाबले को कहाँ देखने वाले हैं, क्योंकि लगातार आप हर दिन तो लोगों को खबरों के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन चूंकि आज वर्ल्ड कप है, 20 साल के लंबे इंतजार के बाद आज ये महामुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा, इस मैच को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं और आपके फेवरेट जो प्लेयर है वो कौन से हैं? मैं बताना चाहूंगा कि मैं बचपन ही से क्रिकेट का बहुत शौकीन था और मैं बॉलर था, बॉलिंग करता था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो क्रिकेट का जिसको कीड़ा बोलते हैं, तो कीड़ा मेरे अंदर शुरू से बचपन से ही है क्रिकेट का कीड़ा। तो मैं अगर मैच देखने की अगर मैं बात करूँ तो मैं मैच अपने दोस्तों के साथ देखूंगा। अभी यहाँ पे लाइव खत्म करने के बाद मेरे दोस्तों ने एक प्रोग्राम बनाया है जहाँ पर एक साथ बैठ कर सभी लोग मैच देखेंगे। और रही उत्साह की बात, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे अंदर इतना उत्साह है, सभी दोस्तों में, यारों में, जितने भी तमाम जो मेरे परिवार के लोग हैं वो भी, उनके अंदर भी तमाम उत्साह है कि पहले से ही तैयारियां बना ली हैं। घर की जो महिलाएं हैं और यहाँ तक कि मेरी वाइफ और मेरी बहनें भी, सभी ने जो है पहले से ही खाना वाना बना के तैयार कर लिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, लेकिन देखिए वैसे अभी आपने जिक्र किया कि आपको, चूंकि आप मैच का कीड़ा है आप में और आप बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और आपने ये भी जिक्र किया कि आप बॉलिंग अच्छी करते हैं, शमी से कितनी उम्मीद है इस मैच में आपको? जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि शमी एक बहुत बेहतरीन बॉलर है, और शमी क्या सिराज भी और तमाम जो बुमराह और जो जितने भी भारत के बॉलर है वो सभी एक बहुत बेहतरीन बॉलर है। और शमी की अगर हम बात करें तो शमी इस टाइम पे बॉलिंग पे नंबर वन चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतनी बेहतरीन बॉलिंग शमी कर रहे हैं जिससे भारत की जो है जीत लगातार रही है, और हमारे जितने भी बॉलर हैं इंडिया टीम में वो सभी लगातार बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद ओवैस, तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ओवैस इस वक्त सारागंज पीवीआर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने लोगों से बातचीत की, और साथ ही ये भी हमने देखा कि लोगों में इस मैच को लेकर कितना उत्साह है, उनका जोश कितना हाई है, इन तस्वीरों से हम साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अहमदाबाद में ये मैच हो रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच हो रहा है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने क्रिकेट के सबसे बड़े फाइनल में जगह बना ली है, और आज जगह बनाने के बाद ये महामुकाबला खेला जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप का ये जो महामुकाबला है ये दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा, और 1,32,000 की दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम में पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल होगा, और जिस स्टेडियम में आज ये फाइनल मैच हो रहा है ये अभी तक का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जा रहा है दर्शकों की क्षमता के लिहाज से। 1,32,000 की बड़ी संख्या में दर्शक इस मैच को देख सकेंगे, वो भी स्टेडियम में बैठकर। और स्टेडियम की पिच पर वर्ल्ड कप 2023 के कुल 4 मैच हुए हैं, यानी कि इस वर्ल्ड कप में कुल 4 मैच अहमदाबाद में खेले गए हैं, लेकिन इस पिच की और इस स्टेडियम की खासियत रही है, दरअसल 3 बार चेस करने वाली और महज 1 बार पहले बैटिंग करने वाली ही टीम को जीत मिली है, यानी कि अहमदाबाद में 75% वर्ल्ड कप मैच चेजिंग टीमों ने जीते हैं, और महज 3 में से 1 बार ऐसा हुआ है जब पहले बैटिंग करने वाली टीम को यहां पर जीत मिली है। लेकिन अहमदाबाद की जो पिच है वो क्यूरेटर का कहना है कि फाइनल की पिच थोड़ी धीमी रहेगी, और पहले बैटिंग में 300 से ज्यादा रन बनाने वाली टीम को फायदा भी पहुंचेगा। अहमदाबाद की जिस पिच पर मैच होना है उस पिच के क्यूरेटर का इस पिच को लेकर कहना है कि जो ये पिच है ये थोड़ी धीमी रहेगी, यानी कि जो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेता है ये पिच उसके अनुकूल ज्यादा रहेगी, क्योंकि 300 से ज्यादा रन का जो टारगेट है
वो सामने वाली टीम को दिया जा सकता है। और अभी तक इस पिच पर वर्ल्ड कप के 4 महामुकाबले खेले गए हैं, लेकिन इस पिच की हैरान कर देने वाली एक जो डेटा है, ये यू कहे कि जो आंकड़ा है वो ये है कि रन चेस करने वाली टीम ने यहाँ पर 3 मैच जीते हैं। यानी कि अगर इसको प्रतिशत में देखें तो 100% अगर मैच हुए हैं तो 75% इस स्टेडियम में, इस पिच में जो चेजिंग टीम है उसने जीत हासिल की है। और एक बार वो समय आया है जब बैटिंग करने वाली टीम को इस पिच पर जीत हासिल हुई है। देखिए जोश हाई है और लगातार जो दर्शक है वो टीवी खोल के बैठ चुके हैं, क्योंकि 1:22 का शार्प इस वक्त समय हो रहा है और 1:30 का वो समय होगा जब दोनों ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के कप्तान ग्राउंड पर मौजूद रहेंगे। टॉस होगा और टॉस जो जीतेगा उसके पास ये मौका होगा कि वो पहले तय करेगा कि वो गेंदबाजी करेगा या बल्लेबाजी करेगा। और इस पिच के क्यूरेटर का साफ तौर पर कहना है कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो 300 से ज्यादा का आंकड़ा छू सकती है, यानी कि एक रन चेजिंग का एक बड़ा आंकड़ा उसके द्वारा दिया जा सकता है। और देखिए लगातार हमारे सहयोगी हर एक जगह पर मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मैच बहुत बड़ा है और इस मैच का 20 सालों से इंतजार किया जा रहा था और आज ये महामुकाबला आ गया है। और दीपक कानपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। देखिए दीपक, इस वक्त जोश हाई है और 1:23 इस वक्त घड़ी पे समय हो रहा है, 1:30 का वो समय होगा जब टॉस हो जाएगा, लेकिन टॉस से पहले किस तरीके से तस्वीरें कानपुर से सामने आ रही हैं, लोगों का जोश कैसा देख पा रहे हैं दीपक? जी आपको बता दें, जिस तरीके से आज जो है फाइनल मैच खेला जाएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जाएगा, अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी काफ़ी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं एक मंदिर में जहां पर अपने सहयोग कहेंगे कि वो दिखाएं किस तरीके से हमन पूजा यहां लोग कर रहे हैं। लगातार इंडिया को जीतने के लिए हमन पूजा की जा रही है, लोग बैठे हैं, तिरंगा हाथ में लिए हैं। हम जो हमन पूजा कर रहे हैं इनसे बात भी करेंगे कि किस तरीके से जो दो हम सहयोगी अपने कहेंगे कि हमन पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से फ़ोन रखे हैं, फ़ोन में जो है देख रहे हैं। अभी कुछ ही देर बाद जो है ट्रास होगा, ट्रास होने के बाद जिसके पक्ष में ट्रास आएगा वो तय करेगा कि बैटिंग कौन करेगा कौन नहीं करेगा। हमारे साथ ये अहम बात करने के लिए इनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए, आज ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच है, हमन कर रहे हैं क्या? भैया हम जब तक ये हवन हमारा चलता रहेगा जब तक हम जीत के नहीं आ जाएंगे, और जीतना तय है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। हम लोग जब हवन में बैठ जाते हैं, हिंदू समाज के लोग हैं हम लोग, तो हम लोग जिता ही के पीछे उठते हैं। ये हमारा हवन चलता रहा, फिर जीतने के बाद 51 करोड़ का लड्डू भी यहाँ बांटा जाएगा, ये आषादेवी माता माँ आषादेवी मंदिर पे। ये हवन चलता ही रहेगा जब तक मैच चलेगा, जब तक हम जीत नहीं जाएंगे तब तक चलता रहेगा। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। पंडित जी हैं, पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी क्या आज मैच है, हमन करा रहे हैं, क्या है? जी आज हमारे देश में बड़े ही उल्लास का समय है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल मैच आज हो रहा है उससे पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही आनंद का समय, और सभी चाहते हैं, हमारे जितने भी भारतवर्ष के सपोर्टर हैं भारत के टीम के, वो सभी चाहते हैं कि भारतीय टीम जो आज वर्ल्ड कप है वो अपने भारत में आए और सभी को एक खुशी का और आनंद का एक त्योहार सा जो मनाया जा रहा है हमारे यहाँ भारतवर्ष में आज मैच का, वो मैं चाहता हूँ पूरी तरीके से आज जो है सफलता के मार्ग पर जो हम सभी चाहते हैं इंडिया टीम जाए और सभी खिलाड़ी अच्छा खेले। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ माँ भगवती से कि आज जो वर्ल्ड कप जो हमारे भारतवर्ष में आए और हमारे समाज हमारी जनता को सभी को खुशी का अनुभव। देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह है, लगातार जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, जयकारे भी लगा रहे हैं, तो पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि इंडिया को जीतने के लिए हम बात की। लेकिन आपके पीछे मुझे कुछ महिलाएं भी नजर आ रही है, जरा आप उनसे बातचीत करिए कि वो इस मैच को लेकर कितनी ज्यादा उत्साहित है, इस मैच को लेकर उनकी प्लानिंग क्या है। देखिए हाँ यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि महिलाएं क्या कहेंगी मैच के बारे में। ये बताइए मैम, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, किसको जिताना चाहेंगी इस बार? इंडिया को। क्यों? कौन लोग इंडिया में जो खिलाड़ी हैं कौन आपको पसंद है? रोहित शर्मा, विराट, ये मैंने बारे में। देखिए इनको
महिलाओं को कुछ कम क्रिकेट के बारे में जानकारी है, लेकिन हमारे साथ जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो हैं, उनसे हम बात करेंगे और वो बताएंगे। सर आज मैच है, फाइनल मैच है जी, क्या कहेंगे? हम यही खुशी मनाएंगे कि हमारी इंडिया जीते, इसीलिए हम पूजन पाठ करवा रहे हैं इधर, सब लोग मिलके बड़े धूमधाम से। इंडिया टीम में कौन कौन क्रिकेट जो लोग खिलाड़ी हैं कौन पसंद है, जो बॉलिंग करते हैं उसमें कौन पसंद है? क्रिकेटर इंडिया के हमें सभी पसंद है, सभी हमारे भाई हैं, सभी बढ़िया खेलते हैं। क्या लगता है इस बार वर्ल्ड कप किसका होगा? बस अपना होगा, इंडिया का जीतेगी। ये देखिए लोग हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि वर्ल्ड कप इस बार जो है इंडिया ही जीतेगी, जिसको लेकर लगातार देखिए यहाँ तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से अभी भी हमन पूजा हो रहा है, और जो हमन पूजा लोग कर रहे हैं उनका यही कहना है कि तब तक हमन पूजा होता रहेगा जब तक इंडिया फाइनल मैच जीत नहीं जाएगी, और जीतने के बाद भी लोगों का ये कहना है कि यहाँ लड्डू मिठाइयाँ भी बटाई जाएंगी और जो है बांटे भी जाएंगे। जी मुस्कान, ठीक है दीपक, देखिए इस मैच को लेकर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है वो तो साफ तौर पर ये जाहिर कर रही है कि इस मैच को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन वो कौन सा प्लेयर होगा दीपक जिस पर आपकी नजर होगी, जिससे आपको खासी उम्मीदें हैं? देखिए अगर प्लेयर की बात की जाए तो आज जो है सबसे ज्यादा हमारे अगर हमारे नजरिए से बात की जाए तो रोहित शर्मा अगर बढ़िया टिक गए तो फाइनल मैच जो है मुकाबले तक पहुंच जाएगा। रोहित शर्मा हो गए, कुलदीप यादव हो गए और विराट कोहली हो गए, ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और काफी खिलाड़ी हैं जिस तरीके से लगातार कई मुकाबले जीत के वो फाइनल पे आज पहुंचे हैं। मुस्कान, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दीपक तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए मैच को जीत तक लेके जाने के लिए हर एक स्तर से कोशिश की जा रही है, बच्चे अपने स्तर पर उत्साहित दिख रहे हैं, तो वही मंदिरों में भी हवन पूजन का दौर जारी है। तो वही प्रयागराज के अगर हम किन्नर अखाड़े की बात करें तो वहां पर अखंड ज्योत भी जलाई गई है। वही कानपुर से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने वो तस्वीरें साझा की जहां लोग मंदिरों में हवन पूजन करते हुए नजर आए, और लोगों का साफ तौर पर इस मैच को लेकर ये कहना है कि जब तक भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जीत हासिल नहीं करेगी हवन पूजन का दौर यूं ही जारी रहेगा। अब देखिए तकरीबन एक मिनट का वो समय और शेष है जब मैदान पर सिक्का उछलेगा, जब ये तय हो जाएगा कि टॉस किसने जीता है, और उसके बाद ये तय होगा कि आखिर कौन सा कप्तान पहले गेंदबाजी या पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और ये बड़ा फैसला लेता है क्योंकि इस स्टेडियम के पिच को लेकर यही कहा जा रहा है कि आज की जो पिच है वो थोड़ी धीमी रहेगी, चूंकि अगर ओस पड़ती है बराबरी से तो जो रन चेजिंग टीम होगी उसके लिए थोड़ी सी आसानी भी हो सकती है, लेकिन अभी ये महामुकाबला है और इस महामुकाबले को लेकर दोनों ही टीमें पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त नजर आ रही हैं, क्योंकि अब 2 बजे इस मैच की पहली गेंद फेंकी जाएगी और इस पहली गेंद के साथ ही जो लोग हैं वो अपनी टीवी के आगे बैठ जाएंगे क्योंकि एक बड़ा मैच है। चूंकि आज रविवार का दिन है, ऑफिसर्स बंद है, सारे दफ्तर बंद है, तो लोग इस मैच को अपने घरों पर या कुछ लोग होटल्स में कुछ पीवीआर में इस मैच का लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। तो स्टेडियम के पिच पर वर्ल्ड कप 2023 के कुल 4 मैच अभी तक हो चुके हैं। 2023 के वर्ल्ड कप की हम लगातार बात कर रहे हैं, 3 बार चेस करने वाली टीम और महज 1 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम को जीत मिली है, लेकिन अहमदाबाद के पिच क्यूरेटर का पिच को लेकर साफ तौर पर यह कहना है कि फाइनल के पिच थोड़ी धीमी रहेगी और पहले बैटिंग में 300 से ज्यादा रन बनाने वाली टीम को सीधे फायदा पहुंचेगा, यानी कि टॉस के बाद जो टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला लेती है उसको इस मैच में थोड़ा ज्यादा फायदा मिल सकता है। हालांकि रन चेज में अगर ओस आई है तो कोई भी टारगेट हासिल किया जा सकता है, क्यूरेटर का यह भी साफ तौर पर कहना है। पिच क्यूरेटर का बयान और वर्ल्ड कप मैचों के आंकड़े थोड़े मेल नहीं खा रहे हैं, ऐसे में जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2011 के बाद से इस मैदान पर पिच का बिहेवियर कैसा रहा है। तो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम की स्थापना 1952 में हुई थी और पहले इस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल था। यहाँ 1996 और 2011 के दौरान भी वर्ल्ड कप के मैच हुए और नवंबर 2014 में यहाँ भारत बनाम श्रीलंका के बीच वनडे खेला गया। इस मैच के बाद स्टेडियम का रिकंस्ट्रक्शन हुआ, नया स्टेडियम 2020 में बनकर तैयार हुआ जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया, और आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये महामुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा है, आज हम अपनी जान मार के दादर रूम में
करते हैं। आज हमने उस्ताद के साथ दुआ मांगी थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान फाइनल खेला जा रहा है। आज जामिया अरबिया हिदायतुल्लूम के अंदर दुआ की गई है। कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो फाइनल है, हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारी इंडिया जीते, वर्ल्ड कप हमारा इंडिया उठाए। और इसीलिए हम जामिया अरबिया हिदायतुल्लूम के अंदर तमाम हाफिज़ कुरान लोगों ने, आलिमों ने, बच्चों ने, उस्तादों ने, मुफ्तियों ने, आलिमों ने, सब ने काफ़ी दुआ की है। और साथ में हमारी गुजारिश ये भी है कि सरकार बार बार तंबी कर रही है और बार बार कह रही है कि ये जो गड्ढे बड्ढे सड़कों पर हो रहे हैं, ये सराय रहमान से लेकर हम ग्यास कॉलोनी तक आते हैं और ये बाईपास बना हुआ है, यहाँ बड़ा बड़ा ट्रैफिक चलता है, आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोगों में तो जोश हाई है ही, लेकिन अब टॉस का इंतजार है। टॉस के बाद इंतजार होगा प्लेइंग 11 का, क्या आखिर वो प्लेइंग 11 कौन होगी जो इस महामुकाबले में खेलने वाली है और साथ ही भारतीय टीम को जीत दिलाने वाली है, क्योंकि लगातार जो सारे पूर्व बल्लेबाज है, जो पूर्व कप्तान है, उनके तौर पर इंडिया की परफॉर्मेंस को देखकर यही कहा जा रहा है कि इस बार की जो ट्रॉफी है ये फिर भारत के पास आएगी, यानी कि भारत तीसरी बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाने वाला है। तो 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 2 बार की विजेता भारत के बीच आज ये महामुकाबला अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगा और 2 बजे इस महामुकाबले की पहली गेंद फेंकी जाएगी। लेकिन सस्पेंस बरकरार है कि आखिर ये पहली गेंद कौन सी टीम फेंकेगी, क्योंकि टॉस का इंतजार है। टॉस के बाद ये तय हो जाएगा कि कौन सी टीम पहले गेंदबाजी करेगी, कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। लेकिन ठीक 2 बजे का वो समय होगा जब इस महामुकाबले की पहली गेंद पिच 7 पर फेंकी जाएगी। पिच 7 ये वो पिच है जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का एक मैच हुआ था और इस मैच में भी भारत ने जीत हासिल की है। और इस वर्ल्ड कप की एक खास बात और बड़ी बात भारतीय टीम के पक्ष में ये जाती है कि अभी तक 10 मुकाबलों में भारतीय टीम अजय रही है, यानी कि एक भी मैच फिलहाल भारतीय टीम ने नहीं हारा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 2 मैचों में करारी हार का सामना करने के बाद वर्ल्ड कप में पहुंची है। और देखिए टॉस हो चुका है, जिस वक्त का इंतजार था और ऑस्ट्रेलिया ने तय किया है कि वो पहले बॉलिंग करेगी। जी हाँ, टॉस का इंतजार था और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीता, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने यह तय किया है कि पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉलिंग करेगी। और 2 बजे जब इस महामुकाबले की शुरुआत होगी तो कहा जा रहा है कि पहले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पहली गेंद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फेंकते हुए नजर आएंगे, यानी कि जो मैच है उसमें भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और ऑस्ट्रेलियाई टीम यानी कि कंगारुओं की टीम पहले गेंदबाजी करेगी, यानी कि जो पिच है उस पर सबसे पहले नजर आएंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। अभी बस प्लेइंग 11 का इंतजार है कि आखिर दोनों ही टीमों से प्लेइंग 11 कौन होगा, वो कौन से 11 बड़े खिलाड़ी होंगे जो इस मैदान में अपना दमखम दिखाएंगे। तो देखिए आज भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच ये महामुकाबला खेला जाएगा और इस मैच को लेकर के टॉस का इंतजार था और अब ये टॉस हो चुका है और टॉस में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले फैसला लिया है कि वो पहले गेंदबाजी करेंगे, यानी कि भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएगी। और ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक करारा टारगेट जो है वो भी दिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में दमदार, बेहतरीन, शानदार और अजय प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। ऐसे में अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पर नजर डालें तो फिलहाल अच्छे फॉर्म में चल रही है हमारी टीम। और ऑस्ट्रेलिया ही अगर हम टीम की बात करें तो 2 मैचों को हारने के बाद अब इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया फिलहाल वर्ल्ड कप में पहुंच गई है। अब मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद आज भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का यह महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है और 2 बजे शार्प 2 बजे का वो समय होगा जब ऑस्ट्रेलियाई बॉलर पहले गेंद फेंकते हुए नजर आएंगे और भारतीय जो क्रिकेट टीम है वो सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए इस टूर्नामेंट में नजर आएगी। 44 दिन 47 मैच
और 92 पारी के बाद वनडे कप अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। मैच का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, टॉस हो चुका है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले फैसला लिया है कि वो पहले गेंदबाजी करेंगे और अब काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है क्योंकि 2 बजे का वो समय होगा जब पहली गेंद फेंकी जाएगी, जिसका सामना भारतीय क्रिकेट टीम करेगी, भारतीय बैट्समैन करेंगे। और 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 2 बार की विजेता भारत के बीच आज ये फाइनल महामुकाबला खेला जाएगा। तो इस मैच में किसके जीतने की संभावनाएं ज्यादा है, क्या कहती है ग्रहों की चाल, आज जीत कितनी पुख्ता नजर आती है, इस पर भी हम बात करेंगे। जिसके लिए हमारे साथ वेद प्रकाश जी, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योतिषाचार्य, वेद प्रकाश जी, प्राइम टीवी पर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, महामुकाबला है, दिलचस्प है, 20 साल का लंबा इंतजार है और अब तक के हर एक मैच में अजय रही भारतीय क्रिकेट टीम कि जीतने की कितनी संभावनाएं नजर आती हैं आपको? देखिए, ऐसा है कि जो पिछला हमारा जीत का परिदृश्य रहा है, जो 83 में और 11 में जो हम जीते विश्व कप, उसके अनुसार जो हमने मूल्यांकन किया कि उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी और आज के ग्रहों की स्थिति क्या है, तो उस तरीके के ग्रह आज हमारे अनुकूल हैं और उसके हिसाब से ये जन्म पत्रिका वो ग्रह दर्शाते हैं कि हम भारत जो है वो निश्चित रूप से विश्व कप जीतेंगे। यद्यपि ऑस्ट्रेलियाई टीम के भी नक्षत्र ग्रह जो हैं वो बहुत कमजोर नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ के ग्रह हैं वो उन पर भारी पड़े। यानी कि जो मजबूती है वो भारतीय क्रिकेट टीम के पास ज्यादा नजर आती है, यानी कि जो जीत के सितारे हैं वो फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम के पक्ष में है। लेकिन ऐसे कौन से विजेता है जो जीत हासिल कराने में बड़ी भूमिका निभाएंगे? देखिए, हमारी जो टीम के कप्तान हैं, हमने उनकी जन्म पत्रिका का मूल्यांकन किया है, अनुसंधान किया है, उसके हिसाब से जो उनकी कुंडली है उसमें सूर्य और शुक्र उच्च के हैं, जो खेल के क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। कुंडली में मंगल और सूर्य की युति है और सूर्य पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो गुरु मेष राशि में मंगल के घर बैठे हुए हैं। तो ये जो चारों ग्रह हैं वो रोहित शर्मा जो हमारे कप्तान हैं उनको खेल का राजा बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम मूल्यांकन करते हैं कि जो हमारे कप्तान हैं टीम के, उनके जो ग्रह हैं वो इस समय बहुत बली हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो निश्चित रूप से ये ताज उन्हीं के सर बंधेगा, ऐसा हम लोगों का मूल्यांकन। ठीक है, तो ज्योतिष पंडित रविशंकर जी भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। देखिए रविशंकर जी, वेद प्रकाश जी ने तो साफ तौर पर एक पुख्ता एक स्टैंप लगा दिया, थप्पा लगा दिया है कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है वही जीतेगी। उनके इस आकलन से आपका आकलन क्या मेल खाता है? जी देखिए, मैं जो आकलन किया हूं हमारे ज्योतिष आकलन से, भारत की कुंडली वृषभ लगन की है और कर्क राशि है, उस हिसाब से द्वितीय भाव में मंगल, तृतीय भाव में चंद्रमा और सूर्य शनि शुक्र तथा गुरु षष्ठम भाव में है, राहु लग्न में होने की वजह से केतु सप्तम भाव में है। वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत का दशा बहुत अच्छा चल रहा है। आप देखे होंगे ये तो वर्ल्ड कप है, इसके पहले अभी ओलंपिक गेम में भी भारत ने एक इतिहास रचा हुआ है, क्योंकि ऐसी दशा भारत की चल रही है। तो हमारे हिसाब से देखा जाए तो भारत एक बहुत शक्ति पावर, चाहे विज्ञान में हो, अध्यात्म में हो, योग में हो, चिकित्सा में हो या खेल में हो, सब में एक नई ऊंचाई हासिल करेगा। तो ये जो आज का मैच है, हालांकि रोमांचक होगा, क्योंकि मैं जो आकलन किया हूँ, पेट कमिंग की भी कुंडली आकलन किया हूँ, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से उनकी जो दशाएं हैं इस समय मजबूत चल रही हैं, उनका जो नेतृत्व है वो बहुत ही मजबूत है। लेकिन रोहित शर्मा के मुकाबले, जो रोहित शर्मा का डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1987 है, जिस हिसाब से उनकी कुंडली बन के हमारे सामने तैयार हुई थी, मैंने देखा था, उनकी कर्क लगन मेष राशि है, तो
तो ऐसे मंगल और सूर्य की युति से बहुत ही प्रबल योग बन रहा है जिससे उनको विजय की तरफ ले जाएगा। पेट कमिंग पे वो रोहित शर्मा हावी रहेंगे। साथ ही मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है। इसमें देखा जाए जो कारक होता है मंगल, खेल का कारक मंगल, स्पोर्ट का कारक मंगल होता है, पंचम भाव में शुभ है, सूर्य भी वहां विराजमान है। साथ ही देखा जाए तो इस हिसाब से जो गुरु गुरु होता है वो बैटिंग का कारक होता है और आपका शनि और शुक्र बॉलिंग का, तो बॉलिंग की तरफ से भी भारत बहुत ही मजबूत साबित होगा। और खासकर मैंने गणना मोहम्मद शमी की भी किया था तो वो तुरुपका इक्का साबित हो सकते हैं क्योंकि उनका 2024 तक प्रबल योग चल रहा है। उनका जिसमें भी वो जिस क्षेत्र में वो करेंगे बॉलिंग करेंगे या फील्डिंग तो उनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा और भारत की जीत हमारी गणना के अनुसार सुनिश्चित है। देखिए वेद प्रकाश जी, आप और रविशंकर जी दोनों ने ही अपने अपने तरीके से आकलन किया है, लेकिन लगातार आप जिक्र कर रहे हैं कि फिलहाल जो जीत है वो भारत के पक्ष में जाती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है, लेकिन मुकाबला रोमांचक होगा। अगर हम बात करें मौजूदा वक्त की तो फिलहाल टॉस हो चुका है और जो गेंदबाजी है वो पहले ऑस्ट्रेलिया करेगी और बल्लेबाजी का फैसला फिलहाल भारतीय टीम के पास है, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। ऐसे में पहली बल्लेबाजी करेगी भारत, कितने रनों का टारगेट दिया जा सकता है, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र? देखिए अभी हमारे जो साथी आचार्य जी ने जो मूल्यांकन किया वो हमारे मूल्यांकन से काफी मेल खाता है। बिल्कुल। तो जो रोहित शर्मा जी हैं हमारे इस समय जो कप्तान हैं, वो बहुत ही उनके बली ग्रह हैं और जो मूल्यांकन किया गया है उसके आधार पर एक अच्छा खासा टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत रखने वाला है। अब ये तो गणना नहीं करके बताया जा सकता कि कितने रन का लक्ष्य रखा जाएगा, लेकिन भारत इतना मजबूती के साथ ऑस्ट्रेलिया के सामने होगा कि उस लक्ष्य को जुटा पाना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत आसान नहीं होगा। बिल्कुल, यानी कि जो कॉम्पिटिशन है वो टफ होगा। लगातार आप दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। रविशंकर जी देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा वेद प्रकाश जी ने कि जो कंपटीशन है वो बेहद टफ होगा, लगातार आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज है जिन पर सबकी निगाहें बनी हुई है, आज उनकी कुंडली क्या कहती है? रविशंकर जी देखिए, उनकी कुंडली, उनका दशा जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, उनके अनुकूल चल रहा है। साथ ही जो इस समय गोचर में भी सूर्य मंगल के साथ आया है तो उनका भी कॉन्फिडेंस आसमान पर है। साथ ही उन्होंने अच्छा रन भी अभी पिछले कुछ समय में किया है तो आज भी उन्होंने मजबूती के साथ सामना करेंगे। साथ ही थोड़ा सा इसमें एक ध्यान देना होगा भारतीय टीम को कि राहु की प्रतिकूलता फील्डिंग, मतलब फील्डिंग में इनको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, कोई कैच ड्राफ्ट ना हो, कोई मिसफील्ड ना हो, तो उसमें इन सारे खिलाड़ियों को एकजुट होकर उसमें काम करना होगा और खिलाड़ियों की एकजुटता के कारण भारत विश्व विजेता बन सकता है इस बार। सारे लोगों का एक दूसरे से विचार अच्छे तरीके से मेल खाने होंगे और एक दूसरे के चीजों को लेकर चलना होगा, तो ये अच्छा रहेगा और ये मैच काफी अच्छा रहने वाला है। देखिए वेद प्रकाश जी, रविशंकर जी ने साफ तौर पर जिक्र किया कि आज फील्डिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए क्योंकि जो फील्डर्स है वो आज भारत को एक अच्छी जीत हासिल करा सकते हैं। देखिए ऐसा है कि शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव में शुक्र जो है वो बल्लेबाजी को मजबूत करते हैं। तो जब बल्लेबाजी हमारी मजबूत होगी और जब हम प्रतिपक्ष में जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, उस समय जो हमारे आचार्य जी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि अगर हमारी फील्डिंग अच्छी हुई तो हम बहुत मजबूती के साथ उनके सामने अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही इंडियन टीम को शुभकामनाएं और अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो देखिए वर्ल्ड कप का महामुकाबला सिर्फ महामुकाबला नहीं, इसे एक रोमांचक महामुकाबला कहा जाए क्योंकि आज जिस तरीके से दोनों ही टीमें तैयार हो चुकी हैं, एक अच्छे फॉर्मेट में चल रही है, ऐसे में उम्मीद है कि इस बार जो ट्रॉफी है वो फिलहाल भारतीय टीम के पास आने वाली है। और 2 बजे का वो समय होगा, यानी कि 15 मिनट का समय और शेष रह गया है जब पहली गेंद ऑस्ट्रेलियाई जो गेंदबाज है वो फेंकते हुए नजर आएंगे, यानी कि पिच पर फिलहाल भारतीय जो बल्लेबाज है टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाज वो रहेंगे।
का भी जो लगातार हम जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है आखिरी मैच में सिराज को हटा के अश्विन को जगह दी है, अब उस पूरे तमाम जो लोग सोच रहे थे, इमेजिनेशन जो लोगों की थी कि अश्विन को इस बार के मैच में एंट्री दी जा सकती है, अब उस पर भी पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल पहले बल्लेबाजी करने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरेंगे, और फिलहाल जिस तरीके से अटकलें थी कि इस बार रविचंद्रन अश्विन को टीम में इन करके सिराज को फिलहाल इस मैच के लिए रेस्ट दिया जा सकता है, अब इस तमाम चीजों पर भी एक बड़ा फुल स्टॉप लग चुका है, क्योंकि प्लेइंग 11 बिल्कुल सेम वही प्लेइंग 11 है जो लगातार हाल ही में मैचेस खेलती हुई आ रही है। यानी कि प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, प्लेइंग 11 वही सेम प्लेइंग 11 है जो लगातार हर एक मैच में खेलती हुई नजर आ रही है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार, जडेजा, पूरी टीम वही है, किसी भी तरीके से कोई भी बदलाव प्लेइंग 11 में नहीं किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है, पहले बॉलिंग करने का ये फैसला किया है। फाइनल से पहले इस टूर्नामेंट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 4 मैच हो चुके हैं और 3 में बाद में बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है। ये इस पिच के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप में कुल 4 मैचेस अहमदाबाद के इसी स्टेडियम में खेले गए हैं, लेकिन इस मैच में एक जोश लोगों में काफी ज्यादा दिख रहा है, जोश आई है, क्योंकि इस पिच को लेकर एक बड़ी बात जो लगातार कही जा रही है कि इस पिच पर 3 में से बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो इस मैच इस स्टेडियम में कुल 4 मैचेस हुए हैं और जबकि 3 में बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती, और फिलहाल इस मैच में पहले भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है। 4 में से महज एक मैच ऐसा था जब पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीत हासिल की थी, लेकिन 3 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस से पहले कहा था कि अगर वो टॉस जीतते हैं तो भी पहले ही बैटिंग करने का फैसला लेते हैं, यानी कि भले ही टॉस भारतीय क्रिकेट टीम ने नहीं जीता है तो भी रोहित शर्मा जैसा चाहते थे कि टॉस जीतने पर वो पहले बल्लेबाजी करेंगे, ठीक वैसा ही हुआ, रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी ही करेंगे। अब वो वैसे रोहित ने इस टूर्नामेंट में 6 बार टॉस जीता और 3 बार बैटिंग और 3 बार बॉलिंग करने का फैसला लिया है, हर मैच में टीम इंडिया को ही जीत मिली है। तो इस महामुकाबले में फिलहाल भारतीय टीम जो है पहले बल्लेबाजी करेगी, और रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट में 6 बार टॉस जीता है और 3 बार बैटिंग और 3 बार बॉलिंग करने का भी फैसला किया था, और हर मैच में टीम इंडिया को जीत मिली है। लेकिन इस पिच को लेकर के बस एक जो संशय सबके मन में बरकरार है कि 75% के जो मैच है वो बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है, लेकिन फिलहाल रोहित शर्मा टॉस से पहले जो चाह रहे थे ठीक टॉस के बाद भी वही हुआ। रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कहा था कि अगर वो टॉस जीते हैं तो पहले बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन भले ही भारतीय क्रिकेट टीम ने टॉस नहीं जीता है, लेकिन रोहित शर्मा की ये जो मुराद है ये पूरी हो चुकी है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी। और फिलहाल प्लेइंग 11 में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है, प्लेइंग 11 सेम टू सेम वही है जो हर मैच में नजर आई है, शमी से लेकर के जडेजा, जडेजा से लेकर के गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सभी तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं इस मैच में हुंकार भरते अपनी दमदारी से भारत को जीत की तरफ ले जाने का एक बड़ा काम करेंगे। लेकिन इस मैच में अगर हम दोनों ही टीमों के परफॉर्मेंस पर एक गौर करें तो स्पिनर्स के खिलाफ फिलहाल जो भारतीय टीम है वो रन थोड़े धीरे बनाती है, और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी देखने को मिला है। अगर हम विलियमसन की बात करें तो लगातार उनको उनकी वो पारी याद की जा रही है जिसमें उन्होंने इंजर्ड होने के बावजूद भी 200 रन मारे थे, लेकिन सिर्फ विलियमसन का ये अवतार एक ही मैच में देखने को मिला है, और अब ये महामुकाबला है। उम्मीद है कि सेमीफाइनल में दोनों ही टीमें झटके खाकर आई थी और दोनों ही टीमें अब पूरी मजबूती से अहमदाबाद के इस स्टेडियम में दमदारी से मुकाबला लड़ेंगी, और भारतीय टीम के फिलहाल जीतने की जो चांसेस है वो ज्यादा मानी जा रही हैं।
तो देखिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में फिलहाल किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले बल्लेबाजी करेगा भारत और वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतते हुए पहले फैसला लिया है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले फील्डिंग के साथ ही जो गेंदबाजी है वो करेगी, यानी कि जो इंडियन टीम है वो फिलहाल पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी और पिच पर भारतीय जो क्रिकेटर्स है, जो भारतीय बल्लेबाज है वो इस वक्त नजर आएंगे। तो जिस पल का सबको इंतजार था वो पल आखिर आ ही गया है। अब से तकरीबन 5 मिनट का समय और शेष है जब इस वर्ल्ड कप के महामुकाबले की जो गेंद है, पहली गेंद है, वो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर के हाथों से फेंकी जाएगी और पिच पर मौजूद रहेंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। ओपनिंग के दो बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी का पहले सामना करेंगे और चौथी बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया की खिताबी भिड़ंत 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होने जा रही है। फाइनल मैच को देखने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। सुबह से ही लोगों का जोश आई है, 10 बजे से स्टेडियम के अंदर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है और दुनिया के इस सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की जो दर्शक क्षमता है वो 1,30,000 दर्शकों की भी है और इस बार कहा जा रहा है कि हर एक स्तर पर रिकॉर्ड टूटे जाएंगे, व्यूअरशिप से लेकर के दर्शकों की क्षमता, स्टेडियम के अंदर दर्शकों का शोर शराबा, हर एक रिकॉर्ड आज इस मैच के दौरान टूटता हुआ नजर आएगा। तो शानदार फॉर्म में चल रही फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम अजय होना चाहेगी क्योंकि अभी तक के दसों मैच भारतीय टीम ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल किए हैं। ऐसे में ये भारतीय टीम का फिलहाल 11वां मैच और 11वें मैच में फिलहाल प्लेइंग 11 में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है और प्लेइंग 11 सेम टू सेम वही है जो लगातार हम कई मैचों में देखते हुए आते हैं और अटकलें हैं कि इस बार का जो मैच है, जो इस बार का वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है वो भारत अपने ही पास रखेगी। पूर्व क्रिकेटर, पूर्व कप्तान और साथ ही साथ जो जाने माने खिलाड़ी हैं वो भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि जिस फॉर्म में फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम चल रही है अभी उसे हराना नामुमकिन जैसा साबित हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास भी दमदार गेंदबाज है, बल्लेबाज है, ऐसे में ये मुकाबला तो रोमांचक हो चुका है क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम खुद को लेकर लगातार कल शाम से, बीते देर शाम से ये दावा करती है कि हमारे पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी ज़्यादा हैं, हमारे पास ऐसे खिलाड़ी ज़्यादा हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप का ये जो महामुकाबला है ये खेला है, जबकि भारतीय क्रिकेट टीम के पास बहुत ही कम एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप का सामना किया है। ऐसे में हम एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ इस वक्त मैदान में उतरेंगे और हमारी जीत होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा है, ये बड़ा दावा किया गया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो वही फिलहाल 2023 में अजय रही भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में फिलहाल कोई बड़े बदलाव नहीं किए हैं, वो जिस फॉर्मेट में हर एक मैच में खेलते हैं ठीक फॉर्मेट भी वैसा ही रहेगा, यानी कि कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है और उनकी बात में अब जो तमाम जो बल्लेबाज है, गेंदबाज है, वो उनकी बात से भी कहीं ना कहीं सहमत नजर आए और देखिए उनकी बात अब देखने को भी मिल रही है क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बीते देर शाम में जिक्र किया था कि फिलहाल किसी भी तरीके का हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो वही प्लेइंग 11 में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। देखिए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का महामुकाबला अब से 4 मिनट बाद शुरू हो जाएगा। दोनों टीमों के बीच महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और इस फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत ने उन्हीं खिलाड़ियों को मौका दिया है जो पिछले 6 मैचों के दौरान प्लेइंग 11 का हिस्सा रही है, यानी कि जो मैदान में आज भारतीय खिलाड़ी नजर आएंगे वो पहले ही इस टूर्नामेंट के 6 मैच खेल चुके हैं, यानी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपना पुराना फॉर्मूला ही बरकरार रखा है जिसका जिक्र भी रोहित शर्मा ने बीते शाम किया था कि वो अपने स्ट्रेटजी में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं
ऑस्ट्रेलियाई टीम की प्लेइंग 11 में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वही पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई जो कप्तान है, उन्होंने पहले गेंदबाजी करने के फैसले को लेकर कहा कि हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट सूखा, विकेट लग रहा है, ओस एक फैक्टर है, उस पर बाद में बल्लेबाजी करना बेहतर हो जाता है। यानी कि देखिए, जो पिच के क्यूरेटर है वो भी कह रहे थे कि अगर इस पिच पर ओस आएगी तो जो रन चेज है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक ऐसा ही कहना ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का भी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकेट सूखा, विकेट लग रहा है, ओस एक फैक्टर है, उस पर बाद में बल्लेबाजी करना ज्यादा बेहतर हो जाता है। टूर्नामेंट की कठिन शुरुआत हुई है, उसके बाद वास्तव में कोई गलती नहीं हुई है, ये सब पूरी तरह से व्यवस्थित है, हमने भारतीय खिलाड़ियों के साथ बहुत खेला है, हम सेमीफाइनल वाली टीम के साथ जा रहे हैं। वहीं रोहित शर्मा ने भी टॉस से पहले कहा था कि वो पहले गेंदबाज पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं, भले ही जो टॉस है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीता है, लेकिन जो मुराद है वो रोहित शर्मा की पूरी हुई है, क्योंकि रोहित शर्मा पहले ये लगातार जिक्र करते हुए नजर आए थे कि वो पहले बल्लेबाजी इस पिच पर करना चाहते हैं। और अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल अपनी मजबूत दमदारी, दावेदारी और एक मजबूत जोश के साथ पिच पर उतरने को तैयार है। हाथों में ग्लव्स लग चुके हैं, बल्ला थाम लिया है दोनों ही खिलाड़ियों ने, क्योंकि दो बजे पहली गेंद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की तरफ से फेंकी जाएगी, जिसके लिए अब हलचल तेज हो चुकी है। स्टेडियम में लोगों का जोश हाई हो चुका है। शुभमन गिल के साथ ही रोहित शर्मा ने अपने हाथों में ग्लव्स बांध लिए हैं, बैट थाम लिया है, पैरों में पैड पहन लिए हैं और अब से दोनों ही खिलाड़ी मैदान की तरफ रुक कर चुके हैं। घरों में बैठ के मैच देख रहे हैं, टीवी खोल के लोग अपने मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे में हमारे न्यूज रूम का माहौल क्या है और हमारे न्यूज रूम के लोग इस मैच को लेके क्या सोचते हैं, क्योंकि काम के साथ साथ भाई मैच भी देखना है और आज का मैच इंपॉर्टेंट, बड़ा और एक्साइटिंग तो है ही। तो सीधा न्यूज रूम से हम गौरव को अपने साथ जोड़ेंगे। गौरव, देखिए प्लेइंग 11 में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है और भारतीय जो टीम है वो पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार भारत से, क्या रिकॉर्ड टूटेगा क्या? गौरव, देखिए मुस्कान, यहाँ पर 2003 में 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की भिड़ंत हुई थी, वहां पर फैसला ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया था, पर जिस तरह का माहौल और जिस तरह का टीम इंडिया का प्रदर्शन है पिछले 10 मैचों का, वो बताता है इस बार जो कप है, विश्व कप है, वो भारत में तीसरी बार आने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया टीम लगातार विजयी अभियान चला रही है, लगातार जीत रही है, वो स्पष्ट करता है कि मेहनत की गई है और मेहनत का यहाँ परिणाम रोहित शर्मा की टीम को मिल रहा है। और जहाँ पर रोहित शर्मा ने एक बेहतर और अनुभवी कैप्टन की तरफ अपने रिकॉर्डों को परे रखते हुए बल्लेबाजी की है और बेखौफ होकर टीम इंडिया को महत्वपूर्ण आधार दिया है मैच दर मैच, वो बताता है कि उन्होंने कप्तानी के दौरान, इस विश्व कप के दौरान अपने रिकॉर्ड की परवाह नहीं की और बेखौफ खेलते हुए टीम इंडिया को ऐसा आधार दिया था जिसकी तर्ज पर टीम इंडिया लगातार जीती चली आ रही है। ये आधार यहाँ पर फिर दिखने वाला है, क्योंकि इंडिया टीम यहाँ बैटिंग करने जा रही है, रोहित शर्मा और उनके साथ में शुभमन गिल यहाँ पर ओपनिंग करने पहुँच चुके हैं। और मैं आपको न टीम दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ स्क्रीन भी देखें, आप देखेंगे यहाँ पर पहली बॉल फेंकने जा रही है मैच की, नेटपुट मैच है और वर्ल्ड कप का मैच है और पहली बॉल पर यहाँ अपील जरूर की गई। पर फिलहाल हम अभी न्यूज रूम में हैं और न्यूज रूम के जो हमारे साथी हैं उनसे जानेंगे कि मैच को लेकर क्या उनका रोमांच है, कि मैच शुरू हो चुका है। हमारे साथ आउटपुट हेड शहबाज है, शहबाज क्या स्थिति है और क्या लगता है आपको इस मैच के बारे में? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत एक अजय पूरे टूर्नामेंट में रहा, लगातार 10 में से 10 मैच जीते हैं, हौसला बुलंद है, पूरी टीम जोश में है, पूरी टीम का जोश हाई है, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर भारत फाइनल जीत कर एक बार फिर से रिकॉर्ड जीतेगी और तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का हमें मौका मिलेगा, क्योंकि 83 में वर्ल्ड कप जीती थी, उसके बाद 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हमने वर्ल्ड कप जीता था
और इस बार रोहित शर्मा जिस तरीके से कप्तानी करते हुए चले आ रहे हैं और अगुवाई करते हुए टीम की चले आ रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि शुरुआत से देखा गया था कि रोहित शर्मा ने हमेशा हर मैच में भारतीय टीम को जो शुरुआत दी है वो बहुत काबिले तारीफ दी है उन्होंने। क्योंकि देखिए जब शुरू मैच होता है गेंद भी नहीं होती है, गेंद स्विंग करती है, उस टाइम बहुत प्रेशर रहता है और एक अच्छी शुरुआत का बहुत प्रेशर रहता है, और टीम को अगर शुरुआत अच्छी मिल जाती है तो आने वाले जो बल्लेबाज होते हैं कहीं ना कहीं आसानी हो जाती है। और जैसा देखा जाए कि अपना जो मध्यक्रम है वो भी इस टाइम फुल फॉर्म में चल रहा है और अच्छी शुरुआत देने के बाद मध्यक्रम पे भी प्रेशर थोड़ा सा हटता है, इसलिए कोहली और श्रेयस अय्यर या फिर केएल राहुल आते हैं, वो अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, इसलिए खेल पा रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा लगातार फॉर्म में है और ये देखा जा रहा है कि वो अपनी जो लगातार बल्लेबाजी से एक अच्छा स्कोर खड़ा कर रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। देखा जाता है 5 ओवर में कभी 50 रन बनते हैं तो 5 ओवर में कभी 60 रन बनते हैं, तो वो रोहित शर्मा की वजह से ही लगातार बन पा रहे हैं। एक सवाल और रहेगा क्योंकि यहाँ पर रोहित शर्मा का तो हमने सुना ही सुना है, पर मोहम्मद शमी उनको हम यहाँ पर ये जो टीम है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जब पहली गेंद फेंकी गई तो एक अपील की गई है, क्या ये भारतीय क्रिकेट टीम या भारतीय जो बल्लेबाज है उन पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश थी क्या? प्रेशर रहेगा क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया जीत कर आई है, इंडिया टीम जीत कर आई है, प्रेशर बिल्कुल रहेगा। इसके पहले भी हमने देखा है एक प्रेशर यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल भारत पर था और भारत ने वहाँ पर जीत दर्ज करके बता दिया था कि हम किसी प्रेशर में नहीं है, पर चूंकि यह वर्ल्ड कप फाइनल है थोड़ा प्रेशर जरूर रहता है। ऑस्ट्रेलिया टीम भी यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ेगी इंडिया को प्रेशर में लाने के लिए, और फिलहाल इंडिया टीम यहाँ पर खेल रही है, इस तरह की अपील होती रहेगी, पर अपील का यहाँ प्रभाव ना रखते हुए टीम को खेलना होगा। और अपने आज यहाँ पर टीम 11 नहीं खेली बल्कि यहाँ पर पूरा इंडिया खेल रहा है, इंडिया के साथ खेलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दुआएं भी हैं और यहाँ पर प्रार्थनाओं का दौर भी जा रही है, यज्ञ भी किए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो जीत दर्ज होगी वो यहाँ पर टीम 11 ही नहीं बल्कि यहाँ पर जीत होगी 142 करोड़ हिंदुस्तानियों की। तो मैं दोबारा सेबाज का रुख करता हूँ। सेबाज, जिस तरह हमने कहा शमी को नहीं नकार सकते हैं कि शमी का भी प्रदर्शन रहा है, क्योंकि अब तक देखते आ रहे थे कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ होती थी वो होती थी बैटिंग, पर यहाँ पर इंडिया की स्ट्रेंथ हमको नजर आ रही है बॉलिंग में भी, और उसका खास तौर पे यहाँ पर शमी, बुमराह और जितने भी बॉलर हैं सब ने यहाँ पर काम किया, शमी को हम नकार नहीं सकते, शमी का प्रदर्शन। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से शमी ने 6 मैचों में 23 विकेट लिए हैं और इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले वो एकमात्र गेंदबाज हैं, उनके बाद अगर सबसे ज़्यादा विकेट किसी ने लिए हैं तो वो जो आज भारत की प्रतिद्वंदी टीम है ऑस्ट्रेलिया, एडन जाम्पा उसी में उपलब्ध है और खेल भी रहे हैं, और एडन जाम्पा का एक प्रेशर भी रहेगा। लेकिन मोहम्मद शमी की बात की जाए तो इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 बार लगातार, कई बार ऐसा देखा गया कि कई मैचों में उन्होंने 5 विकेट लिए, और जिस तरीके से विरोधी खेमे को चित किया है अपनी गेंदबाजी से, क्योंकि 140 प्लस गेंद और स्विंग करती हुई गेंदें जब अंदर आ रही हैं तो विरोधी खेमे के जो बल्लेबाज हैं वो आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं कि किस तरीके से गेंद स्विंग होकर सीधे स्टंप में घुस रही है या कैच आउट के लिए पीछे अपील पीछे जा रहा है, पीछे विकेट दे दे रहा है। तो शमी की इस पूरे टूर्नामेंट में मैं आपको बात करूं कि अभी तक किसी भी भारतीय गेंदबाज ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, 6 मैच में किसी ने 23 विकेट आज तक नहीं लिए। जहीर खान ने 2 बार लिए थे 20 प्लस विकेट, एक बार 2003 में और एक बार उससे पहले 2011 में, तो जहीर खान ही एकमात्र गेंदबाज थे जिन्होंने 20 प्लस विकेट लिए थे और उसको भी रिकॉर्ड इन्होंने मोहम्मद शमी ने तोड़ दिया। और बहुत ही कम मैचों में देखा गया कि मोहम्मद शमी को शुरुआत में चांस नहीं दिया गया था, लेकिन मोहम्मद शमी को चांस मिला और उन्होंने चांस को बखूबी भुनाया और उस चांस को भुनाने के बाद कहीं ना कहीं इंडिया को फाइनल की दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया। इसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों का अहम रोल है जो आज हम फाइनल में है। एक सवाल मेरा और रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि दूधिया रोशनी में दूसरी पारी खेलना इतना आसान नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया ने क्या सोच के यहाँ पर पहले बल्लेबाजी नहीं ली है, क्योंकि दूसरी पारी में अगर यहाँ पर विकेट टर्न करेगा तो निश्चित रूप से स्पिनर्स को खेलने में बहुत परेशानी होने वाली है ऑस्ट्रेलिया टीम को, क्या फैसला रहा, क्या कारण रहा कि उन्होंने पहले गेंदबाजी चली? देखिए धीमी पिच एक कारण था क्योंकि धीमी पिच कल ही बोल दिया गया था कि पिच थोड़ी धीमी रहने वाली है, और ऑस्ट्रेलिया ने, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ क्योंकि एक बल्लेबाजी पिच है और पहले बैटिंग करने वाली टीम हमेशा से जीती है, और ऑस्ट्रेलिया ने ये फैसला क्यों लिया ये वाकई में थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा टारगेट सेट करके, क्योंकि फाइनल का जो प्रेशर होता है, देखिए लीग मैच की बात अलग होती है लेकिन फाइनल सेमीफाइनल ये एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर कई लोगों से गलतियां हो जाती हैं, बड़े बड़े प्रेशर, बड़े बड़े खिलाड़ियों से गलती हो जाती है, और हमेशा से जो फॉर्म में चले आ रहे होते हैं कहीं, क्योंकि देखिए 140 करोड़ की जो जनता है हमारी वो उम्मीद लगाए बैठी है विराट कोहली से, श्रेयस अय्यर से, रोहित शर्मा से, तो उन पर भी कहीं ना कहीं माइंड प्रेशर है। हालांकि फॉर्म में है, नो डाउट बढ़िया खेल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक फाइनल का जो प्रेशर है गौरव जी वो हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो सहबाज थे, अब हम अपने और कुछ साथी हैं, हमारे साथ उमेर मौजूद है। उमेर, बड़ा मैच है
उस बड़े मैच में क्या मानते हैं, किस तरह का प्रदर्शन होने वाला है, क्योंकि मैच शुरू हो चुका है, जिस तरह से रोहित शर्मा खेल रहे हैं उनकी पारी भी बहुत अहम होने वाली है, अपने जरिए से क्या देखते हैं? नहीं देखिए, फाइनल है तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो होगा ही, लेकिन जिस तरीके से लगातार 10 मैच भारत ने जीते हैं, सभी खिलाड़ी हमारे पूरी तरीके से फॉर्म में है, रिदम उनका बना हुआ है, तो प्रेशर फाइनल के होने से होगा ज़रूर, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई कहीं पे कोई कठिनाई होगी, क्योंकि सारे खिलाड़ी पूरी तरीके से फिट हैं, खेल रहे हैं लगातार, तो प्रेशर तो कोई नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है और वो भी, उनके भी सारे खिलाड़ी जो हैं वो पूरी तौर से फिट हैं, वो भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। ओवरऑल जितना इस टूर्नामेंट में हो, चाहे इससे पहले के टूर्नामेंट में हो, ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है, तो उसका थोड़ा सा तो प्रेशर हो सकता है, लेकिन मुकाबला बराबर का होगा और हम लोग को उम्मीद है कि भारत ही जीतेगी। ठीक है, तो हमारे उम्मीद थे, अब हम अपने आखिरी शक्ति, जिस तरीके से यह जिक्र किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक मजबूत टीम है, इस बात को नकार नहीं सकते, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलियाई टीम का वो आक्रामक अंदाज देखने को नहीं मिला। इक्का दुक्का मैच में उनके बॉलर और बैट्समैन ने दमदार प्रदर्शन किया है। देखिए, विलियमसन की पारी का लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनका भी जो आक्रामक अंदाज है वो महज एक ही मैच में देखने को मिला है। देखिए मुस्कान, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑस्ट्रेलिया जिस टीम जो आक्रामकता की जानी जाती है, जो हिटिंग के लिए जानी जाती है, वो हिटिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिली। उसका सही कहेंगे, इसका कारण उसका यह है कि उनके बल्लेबाज है, जो बड़े बल्लेबाज है, जो हिटर है, वो यहाँ पर नहीं चले। हमने देखा है जो ग्लेन मैक्सवेल है, हिटर हैं, वो भी कुछ गिने चुने मैचों में चले। अगर उसके बात करें, स्टीव स्मिथ की बात करें, तो वो भी गिने चुने मैचों में चले, पर जिन मैचों में चले हैं उन्होंने जीत यहाँ पर दर्ज कराई है। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है, पर यहाँ पर जो एक अंदाज होता था ऑस्ट्रेलिया का, हिटिंग अंदाज होता था, एक हमेशा टीम को डोमिनेट करके चलते थे दूसरी टीम को, पर वो अंदाज देखने को नहीं मिला है। हालांकि यहाँ पर लीग चरण की अगर बात करें तो मैच हारे भी है, पर चूंकि जीत के साथ आगे बढ़े, तो जिस तरह से यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के पास भी हारते हारते जीते, क्योंकि अगर वहाँ पर पैट कमिंस और अन्य लोग ही जो पछले बल्लेबाज हैं उनकी अगर पारी ना हुई होती, अगर वो 40 रन महत्वपूर्ण रूप से नहीं बनाए गए होते, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इस विश्व कप के फाइनल में नहीं पहुँचता, क्योंकि जो हमने देखा था बड़ा करीबी मैच, बड़ा सेमीफाइनल जो हुआ था अफ्रीका से, बड़ा करीबी मैच था, वहाँ करीबी मैच में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी मुश्किल से वो मैच जीता था, तो कहीं ना कहीं वो दबाव भी यहाँ पर, फिलहाल टीम इंडिया यहाँ पर खेल रही है और जो प्रदर्शन रहा है टीम इंडिया का वो बड़ा बेहतर रहा है, और इसी जीत को देखते हुए, इसी प्रदर्शन को देखते हुए हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि इस बार तीसरी बार, पहले 1983 में कपिल देव की अगुवाई में, उसके 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में, और यहाँ पर रोहित शर्मा की अगुवाई में वर्ल्ड कप हमारे पास आ रहा है। लेकिन गौरव देखिए, एक चीज और बहुत अहम है कि स्पिनर्स के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज है ना, उनका हाथ थोड़ा टाइट नजर आया है, और इस बार तो ज्यादातर जो स्पिनर्स है वही देखे गए हैं, तो क्या ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास इसका कोई तोड़ है क्या, क्योंकि प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया गया है? कुलदीप यादव चाइनामैन के गिरवाज हैं, इसके अलावा रविंद्र जडेजा जो कि बेहतर ऑलराउंडर है, फील्डिंग से बैटिंग से लगातार टीम को सपोर्ट करते आ रहे हैं, और उनका प्रदर्शन बताता है कि उनमें एक बेहतर खिलाड़ी के सारे गुण मौजूद है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से मैंने आपको भाई कहा कि ये मेरे आश्चर्यजनक भी हुआ, और हमने इस पर लेकर सहबाज से बात भी की, उन्होंने यही बताया था कि टीम इंडिया को यहाँ पर पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया ने दी है, तो क्या सोच समझ के दी, क्योंकि यहाँ पर दूधिया रोशनी में दूसरी पारी खेलना, वो भी भारतीय स्पिनर के विरुद्ध और भारतीय पिच पर जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद की पिच है, तो यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया ने क्या सोच के यहाँ पर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, वो निश्चित रूप से यहाँ पर एक अचल भरा फैसला है। फिलहाल यहाँ पर मैच शुरू हो चुका है, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रहे हैं, रोहित शर्मा अपने बेखौफ अंदाज में यहाँ जुड़े हुए हैं। अब नमस्कार, हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो कि हमारे साथ, जो और लोग जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, हमारे साथ सपना सिंह है। सपना, कैसे देखती हो, बहुत बड़ा मैच है, और क्या उत्साह आपके मन में है टीम इंडिया को लेकर? टीम इंडिया का प्रदर्शन देखते हुए हमारे यहाँ सभी लोग मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, मस्जिदों में दुआएं की जा रही हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि अब की का खिताब यानी कि वर्ल्ड कप हमारे टीम इंडिया का हो, ये भारत की जीत हो हमारे। ठीक है, क्या लगता है जिस तरह टीम इंडिया खेल रही है, कुछ लगता है कुछ चुनौती दे पाएगी ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया को? बिल्कुल दे पाएगी, 2003 का बदला 2023 में जरूर लिया जाएगा, और टीम इंडिया ही ये वर्ल्ड कप हमारे भारत में लेकर आएगी। ठीक है, हमारे साथ और साथी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी है, जिस तरह से यहाँ पर चीजें चल रही हैं उसको लेकर भी पूरे उत्साह का माहौल है हर जगह। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से नीली जर्सी लोग पहने हुए हैं, जो उत्साह वहाँ देखने को मिल रहा है वो बताता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया टीम वो टीम नहीं बल्कि वो टीम बन चुकी है जो कि लगातार 10 मैच जीतते हुए आ रही है, और इंडिया ने जो मैच जीते हैं वो इतने शानदार अंदाज में जीते हैं, वो बताती है
कि यहाँ पर कोई भी मैच इंडिया टीम ने डाउनलाइन होकर या कंप्लीट करके नहीं जीता, बल्कि पूरी तरह से दूसरी टीम को डोमिनेट करके जीता है। और निश्चित रूप से बताना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सबके मन में एक ही बात है कि यहाँ पर परिणाम क्या होने वाला है, उसको लेकर लगातार मेहनत चल रही है। मेहनत यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिच पर नजर आ रही है, और वहाँ पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल वहाँ पर खेल रहे हैं, और इंडिया यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ अपने विजयी रथ को आज फाइनली अंतिम पड़ाव पर लेकर आई है। और इस अंतिम पड़ाव के बाद वह क्षण भी यहाँ पर आएगा जहाँ पर इंडिया तीसरी बार इस विश्व कप की ट्रॉफी को उठाएगी, जिसके लिए लगातार लंबे समय से हम इस मैच देखते चले आ रहे हैं, इंतजार करते चले आ रहे हैं। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो या 2020 वर्ल्ड कप हो, वो अलग बात होती है, पर यहाँ पर जिस तरह से ये वर्ल्ड कप है, वनडे का वर्ल्ड कप है, और जिसका इंतजार 4 साल रहता है, वो यहाँ पर वर्ल्ड कप के बाद अन्य ट्रॉफी भी रहेगी। पर चूंकि यहाँ पर वर्ल्ड कप, बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरव, ठीक है गौरव, आपने एक बात का जिक्र किया था, वो बात मुझे अभी तक याद है कि ये जो मैच है ना, ये सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, पूरा देश खेलेगा। लेकिन गौरव देखिए, हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया ने पहले जो गेंदबाजी है उसका फैसला क्यों लिया, लेकिन देखिए इस पिच के क्यूरेटर का साफ तौर पर यह कहना था कि 75% मैच इस पिच पर उस टीम ने जीते हैं जिसने बाद में बल्लेबाजी की है। क्या ये आंकड़ा ध्यान में रख के ऑस्ट्रेलिया ने ये फैसला लिया है क्या? देखिए मुस्कान, 75% को हमें देखना है, पर साथ साथ 25% को भी देखना है कि 25% मैच उन लोगों ने, टीम ने जीते जो पहले बल्लेबाजी की है। पर यहाँ पर जो निश्चित रूप से जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े यहाँ पर भारतीय टीम के पक्ष में भले ही नहीं जाते हो, क्योंकि यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने का उसको मौका मिला है, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर टॉस जीता है। पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ पर दूधिया रोशनी में दूसरी पारी खेलना इतना आसान नहीं होगा, और जहाँ पर चाइना मैच गेंदबाज कुलदीप यादव और इसके साथ साथ जडेजा को इतना जो सामना करना इतना आसान ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए सामने नहीं होने वाला, क्योंकि बैटिंग उनकी बड़ी है, अच्छी बैटिंग है, पर यहाँ पर जिस तरह से उनके खिलाड़ी लगातार संघर्ष कर रहे हैं बैटिंग के स्थिति में, लगातार उनके खिलाड़ी उतनी मजबूती के साथ अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे, वो बताती है कि यहाँ पर मैच जरूर खेल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अब देखने वाली बात ये भी है कि किस तरह यहाँ पर उनको दूधिया रोशनी में दूसरी पारी खेलनी है। ठीक है, देखिए गौरव, आप न्यूज रूम में और लोगों से बात करें, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर स्कोर बोर्ड पर अभी स्कोर क्या है। अगर हम बात करें मुस्कान, तो स्कोर बोर्ड की खराब अगर हम जो देख रहे हैं, वो लगातार टीम इंडिया खेल रही हो, यहाँ पर अगर हम देखें शुरू मैच की पहली गेंद से ही जो स्थिति है, वो ऑस्ट्रेलिया टीम बड़ी मेहनत कर रही है, और लगभग 3 ओवर यहाँ पर हो चुके हैं, 18 रन 6 का यहाँ पर औसत चल रहा है, 6 रन के औसत से टीम इंडिया खेल रही है। और जिस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बैट बॉलिंग इस समय हम देख रहे हैं, बॉलिंग भी बड़ी मेहनत की जा रही है, और फील्डिंग इस समय ऑस्ट्रेलिया लगातार बेहतर कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कई ऐसे जो गति है वो रोकी है बॉल की, जो सीधी सीधी बाउंड्री जा रही थी वहाँ पर 3 से 4 बाउंड्री यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम के फील्डर द्वारा रोकी गई है। तो निश्चित रूप से वो फील्डिंग बताती है कि ये एक लीग चरण नहीं है, ये क्वार्टर और सेमीफाइनल नहीं है, बल्कि वर्ल्ड कप का फाइनल है, और जो फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया टीम की दिखाई दे रही है वो बिल्कुल अलग है, और लगातार वो बाउंड्री रोकते नजर आ रहा है। हालांकि टीम इंडिया 6 रन के औसत के साथ यहाँ पर 18 रन के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। और साथी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, हमारे साथ प्रेरणा यादव मौजूद है। प्रेरणा, बहुत महत्वपूर्ण मैच है, और आपकी चेहरे की मुस्कान बताती है कि आप बड़ी खुश हैं, क्योंकि निर्णायक फैसला आज होना है, और ये बताएगा कि ये वर्ल्ड कप किसके पास जाएगा, पर जो टीम इंडिया का परिणाम रहा है उसे कहा जाता है। हाँ, पूरे अगर हम वर्ल्ड कप का देखें, पूरे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का जो रिपोर्ट काट रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, जिसको देखते हुए सभी देशवासियों में उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है, और जगह जगह प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर चल रहा है, जिसको देखते हुए हम भी यही कहेंगे कम ऑन इंडिया, जीत लो वर्ल्ड कप। तो कम ऑन इंडिया, जीत लो वर्ल्ड कप, पर यहाँ पर जीत के लिए कुछ और भी सोचना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि 142 करोड़ की जनता खेल रही है, इंडिया खेल रही है, हिंदुस्तान खेल रहा है। बेटा मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा, क्या मानते हैं यहाँ पर कौन बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है इस टूर्नामेंट में, यानी इस जो फाइनल है इसमें कौन जो प्लेयर होगा वो अहम भूमिका निभाने वाला है, आपको बता दें। अभी तक जैसे जो पिछली बार मैच रहा है उसमें मोहम्मद शमी और विराट कोहली का नाम लगातार सामने आया है, तो हम भी यही कहेंगे कोई एक नाम नहीं, पूरी टीम के साथ मैच खेला जाता है, पूरी टीम इस मैच के लिए जिम्मेदार होती है, जीत के लिए पूरी टीम को हम बधाई देंगे, और पूरी टीम को मैं बोलूँगी कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरी टीम बहुत महत्वपूर्ण होती है इस मैच के लिए, तो मैं एक किसी एक का नाम नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए बोलूँगी। अब अपने और कलीग हमारे साथ मौजूद, लेकिन गौरव देखिए प्रेरणा ने बेहद ही नपी तुली बात बोली, पहले अपने फेवरेट प्लेयर का नाम बताया, फिर नहीं बोला बैलेंस क्या कि नहीं भैया पूरी टीम को धन्यवाद दिया जाएगा, क्योंकि अगर जीत आएगी तो पूरी
टीम के वो हाथों में आएगी, पूरे भारत के पास वो जीत जाएगी। ऐसे में गौरव आप रुक कर रहे थे आरती का, क्योंकि आरती का जब भी नाम आता है तो वो न्यूज रूम में बड़ा एक खुशनुमा माहौल रहता है। ऐसे में आज आरती से जानिए गौरव कि उनका फेवरेट प्लेयर कौन है और जो भी आपके सवाल हो। जी बिल्कुल नमस्कार, बिल्कुल सही कहा, हलचल वाली क्रांति है आरती और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है आरती। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला इसलिए क्योंकि भले ही 11 खिलाड़ी वहां खेल रहे हो लेकिन हमारे साथ पूरे करोड़ों वासी आज जीतते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि अगर पिच की बात करें तो इस पिच में ये पिच काफी दिलचस्प होने वाली है बल्लेबाजों के लिए, यानी कि चेस करना बेहद ही मुश्किल होगा, लेकिन ये काफी दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया में इस बार धारदार बैटिंग कौन करेगा, किंग कोहली एक बार फिर से शतक जड़ेंगे या नहीं, ये भी देखना सभी देशवासियों के लिए बेहद ही दिलचस्प होगा। आरती आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है और क्या लगता है यहाँ पर मैच बदलने की क्षमता इस बार कौन साबित करेगा? इस बार रोहित शर्मा और विराट कोहली मेरे फेवरेट है लेकिन सारी टीम इस बार बेहतर प्रदर्शन कर रही, यही वजह है कि 10 की 10 टीमें यानी कि 10 के 10 मैच हमारी टीम ने जीते हैं। और एक वो दौर था 2003 का जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 10 के 10 मैच जीते थे और वो दौर आज है यानी कि 2023 आज है जब सारे मैच टीम इंडिया जीत चुकी है और आज भी वही दिन होगा, आज भी वही मौका होगा जब टीम इंडिया जीतेगी और तीसरी बार विश्व कप लेकर भारत लौटी यानी कि भारत में इसका कब्जा होगा। ऑस्ट्रेलिया 5 बार की विजेता, भारत 2 बार का विजेता, 5 बार 2 बार बड़ा अंतर है, क्या कुछ अलग रहेगा इंडिया टीम में कि उस बार वर्ल्ड कप जीतेगी फाइनल? हार जीत का तो खेल पर डिपेंड करता है लेकिन जीत का जो दौर है 2003 में जिस प्रकार से पॉन्टिंग की अगुवाई में टीम इंडिया ने हारा था लेकिन इस बार टीम इंडिया की तूती बोलती हुई नजर आ रही है, इस बार का कब्जा हमारा ही होगा चाहे जो भी कर ले, ये मुकाबला 50-50 होने वाला है लेकिन अंत में जीत भारतीय टीम की ही होगी। मुकाबला 50-50 होगा पर जीत गौरव, लेकिन जिस तरीके से न्यूज रूम का माहौल है, न्यूज रूम के जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो धुरंधर है, वो ज्यादा आक्रामक होते हुए इस मैच को लेकर नजर आ रहे हैं। और आरती का तो भाई उन्होंने तमाम पहलुओं पर जिक्र किया, तमाम जो खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत की। ऐसे में जो न्यूज रूम में और लोग हैं गौरव आप उनका रुख करिए, वो इस मैच को लेकर क्या सोच रहे हैं, इस मैच से उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनसे बातचीत करिए। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी मौजूद है जिन्होंने शायरी भी लिखी है मैच को लेकर और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं इस समय स्वप्निल यादव के साथ। स्वप्निल लिखती रहती हैं और बोलती भी रहती हैं और बहुत महिला होने के बावजूद बहुत टेक्निकल एनालिसिस वो मैच को करती हैं, क्या आपका एनालिसिस बोलता है? सर एनालिसिस तो ये भी बोलता है, कुछ लाइनें लिखी हैं मैंने ऑस्ट्रेलिया पे कि स्टार्स जोस और कमिंस की टिकड़ी जो है वो डराती है, देखो भैया ऑस्ट्रेलिया को कम मत समझना क्योंकि ये टीम आग दिखाती है। मेरा यहाँ दिखाने से सर मतलब ये है कि वो अपनी बॉलिंग और बैटिंग से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है और सामने वाली टीम पे दबाव भी बनाती है, लेकिन जो प्लस पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया के साथ कि उनके पास कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो 2015 में भी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, जैसे वॉर्नर हो गए, स्टीव हो गए, मतलब ऐसे मैक्सवेल हो गए, ये काफ़ी धुरंधर प्लेयर हैं। वहीं अगर टीम इंडिया की बात करें तो इस बार टीम इंडिया में भी जोश काफ़ी है क्योंकि विराट कोहली जो टीम इंडिया के पास हैं, वहीं मोहम्मद शमी जैसे क्या कहते हैं गेंदबाज जिन्होंने अपनी 23 विकेट लिए हैं 6 बॉलों में, और अगर देखा जाए तो टीम इंडिया के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे कि हम गिरेंगे भी, हम उठेंगे भी, हम हारेंगे भी, हम जीतेंगे भी, अगर सीख गए हालातों से लड़ना तो हम उठकर अपनी सारी मुश्किल और बाधाओं को छोड़ेंगे भी नहीं। तो टीम इंडिया काफ़ी ज़्यादा जोश से भरी हुई है। वहीं प्लस पॉइंट ये भी है सर टीम इंडिया का कि उनके पास 2 स्ट्रॉन्ग स्पिनर हैं, एक कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा, तो फिलहाल तो एनालिसिस भी यही कहती है कि इस बार टीम इंडिया कुछ करिश्मा दिखाएगी, जैसे कि हाल फिलहाल अभी चंद्रयान 3 से देश गौरवान्वित हुआ था, तो आज भी दिन क्या कहते हैं जनता दिवाली की तरह शायद बनाएगी क्योंकि आज टीम इंडिया कुछ करिश्मा जरूर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करेगी क्योंकि 140 करोड़ की आबादी पूरी जनता क्या कहते हैं टीम इंडिया से आस लगाए बैठी है। अगर नहीं भी जीतती है तो सर वो बाजीगर का क्या कहते हैं डायलॉग है ना कि हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जीतने और हारने वाली बात नहीं पर इंडिया टीम का जो प्रदर्शन रहा है वो प्रदर्शन बड़ा शानदार रहा है और पिछले मैच दर मैच हमने देखा है कि जीत की बात तो खैर बाद में करेंगे क्योंकि मैच खत्म होने काफी बिल्कुल गौरव अभी तो बहुत ही शुरुआत है, हार जीत की तो बात बहुत देर में तय होगी, लेकिन गौरव देखिए अगर अभी
मौजूदा वक्त की हम बात करें तो आप लगातार एक बड़ी स्क्रीन पर मैच देख पा रहे हैं, कौन सी टीम फिलहाल ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन गौरव देखिए, शुभमन गिल के आउट होने की खबर भी निकल के सामने आ रही है। गौरव, क्या देख पा रहे हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल, यहाँ पर शुभमन गिल आउट हो चुके हैं, उनको जंपा ने कैच किया है और निश्चित रूप से यहाँ पर विराट कोहली आ गए हैं। किंग कोहली का नाम बताता है, और किंग कोहली जब भी यहाँ पर आते हैं तो बेहतर परिणाम के साथ आते हैं। अब यहाँ पर चूंकि शुभमन गिल आउट हुए हैं, मुस्कान, बड़ा मैच है, और यहाँ पर दोनों टीमें पूरी मेहनत कर रही है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम भी भारत को जल्दी आउट करने के प्रयास में लगातार नजर आ रही है, तो यहाँ पर भारतीय टीम भी एक बेहतर आधार रखने के लिए लगातार तैयार है। और यहाँ पर रोहित शर्मा वहाँ पर मौजूद है, शुभमन गिल जरूर यहाँ पर आउट हुए हैं, स्टाक की बॉल पर आउट हुए हैं, उनका यहाँ पर कैच है जांपा ने लिया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर चूंकि मैच बड़ा है और इस तरह की मेहनत चढ़ती चली जाएगी, यहाँ पर दोनों पक्ष यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, चाहे हम बैटिंग लाइन की बात करें या फिर बॉलिंग लाइनअप की बात करें, दोनों यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर बैटिंग में भी अगर बेहतर रन बनते हैं तो कहीं ना कहीं बॉलिंग को भी लेकर यहाँ पर प्रयास उनके रहते हैं। और यहाँ पर शुभमन गिल का विकेट जरूर गिरा है, पर यहाँ पर आशाएं नहीं गिरी है, और हम और साथी लोगों से बात करेंगे क्योंकि आशाएं बहुत जरूरी है। और सबसे बिल्कुल गौरव देखिए, भले ही शुभमन गिल वापस चले गए हो पवेलियन की तरफ, लेकिन अब एक तेज दमदार बल्लेबाज पिच पर आने को तैयार है, वो है विराट कोहली, जो लगातार हर एक मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और उन्होंने इस वर्ल्ड कप में तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। गौरव, आप लगातार न्यूज रूम में मौजूद और लोगों से बातचीत करिए, क्योंकि अब तो एक विकेट गिर गया है, क्योंकि जो हमारे न्यूज रूम है वहां का भी माहौल थोड़ा ठंडा हो चुका है। नुस्कान, यहाँ माहौल ठंडा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबकी एक आज जरूर रहती है, हालांकि निराशा जरूर होती है, विकेट गिरता है, विकेट बड़ी चीज़ होती है, विकेट यहाँ पर गिरा है, क्योंकि आज लीग चरण का मैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप फाइनल, और यहाँ पर नॉकआउट नहीं बल्कि आज स्थापित हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर वर्ल्ड कप का विजेता कौन है और विश्व की सबसे बड़ी टीम कौन है, नंबर वन टीम कौन है, और वर्ल्ड कप को इस बार किसने जीता है। तो निश्चित रूप से विकेट यहाँ पर जरूर गिरा है, पर यहाँ पर निराशा नहीं, क्योंकि आज जो 11 खिलाड़ी हैं वो लगातार हम देखते चले आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, यहाँ पर सभी 11 खिलाड़ी लड़ेंगे और खेलेंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर नीति है और रणनीति है और मेहनत है वो बताती है कि हमें आखिरी शुरुआत में ही हमने देखा है कि मिडिल ऑर्डर तक भारत टीम की बेस्ट यानी बैटिंग लाइनअप है वो गए नहीं है, वहाँ की आवश्यकता नहीं पड़ी है, पर यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लाइनअप हमारा आखिरी तक है, और आज भारतीय टीम का प्रत्येक खिलाड़ी युद्धा की तरह लड़ेगा, क्योंकि आज लीग चरण नहीं बल्कि आज फाइनल है वर्ल्ड कप का। और हमारे साथ यहाँ पर सुमति सक्सेना जी हैं, उनकी जानकारी भी लेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है आज के मैच को लेकर, क्योंकि यहाँ पर मैच शुरू हो चुका है और इंडिया का एक विकेट गिर भी चुका है। जैसा कि गौरव, ये मतलब ये जो मैच हो रहा है 140 करोड़ भारतीयों की बहुत आशाएं हैं, और हमें उम्मीद है कि रोहित शर्मा मैच को हमारे पास वर्ल्ड कप लेके आएंगे, जैसे कि कपिल देव जी लेके आए, महेंद्र सिंह धोनी लाए, और रोहित शर्मा भी इस बार वर्ल्ड कप लेके आएंगे। क्या लगता है, एक विकेट जरूर गिरा है, निराशा जरूर होती है, पर यहाँ पर चूंकि लड़ना जरूरी है, वो लड़ाई होती है तो एक पक्ष जीतता है एक पक्ष हारता है, तो यहाँ चूंकि बैटिंग भी अच्छी हो रही है, बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, पर विकेट गिरना इंडिया के लिए बहुत कुछ निराशा वाली बात, क्योंकि यहाँ पर सभी लड़ने वाले हैं, आपकी राय क्या है? देखिए, मैच है और दोनों ही टीमें बहुत महत्वपूर्ण टीमें हैं, वर्ल्ड की नंबर वन टीमें हैं दोनों, तो विकेट गिर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास अभी बहुत बड़ी टीम है, किंग कोहली हैं और भी काफ़ी खिलाड़ी हैं, केएल राहुल हैं, तो काफ़ी लोग हैं जो जिता सकते हैं, और हमारी उम्मीद, हमारी आशाएं, हमारे 140 करोड़ भारतीयों की ये उम्मीद है कि वर्ल्ड कप हमारा होगा। ठीक है, तो अभी हम पहले जाते हैं, लेकिन नहीं गौरव देखिए, लगातार जो हमारी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाते हैं, जो बड़ी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं, लेकिन वो इंसान अक्सर कैमरे के पीछे रह जाता है। आज मैं चाहूंगी कि जो कैमरे के पीछे है, आप आज उसे बाहर लेके आइए, और इस मैच को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, वो कितने एक्साइटेड है, उनसे जानिए। बिल्कुल, कैमरे पीछे हमारे साथ इसमें विजय मौजूद हैं और तमाम लोग मौजूद हैं, और सबका ये कहना है कि यहाँ पर एक ही होता है कि हमको यहाँ पर जीतना है, पर जीत दर्ज करने के लिए पीछे यहाँ पर सबकी मेहनत होती है, टीम इंडिया लगातार मेहनत कर रही है और टीम इंडिया की मेहनत यहाँ नज़र भी आ रही है, और जिस तरह से हमने यहाँ पर चीज़ों को देखा है। हमारे साथ यहाँ पर नंदिनी यादव मौजूद हैं, और नंदिनी यादव से जानेंगे, नंदिनी क्या लगता है, क्योंकि मैच बड़ा है और मैच के दौरान जिस तरह की मेहनत चल रही है, विकेट जरूर गिरा है, पर कप्तान रोहित शर्मा का आक्रामक प्रहार ऑस्ट्रेलिया पर लगातार जारी है, और लगातार वो छक्के चौके की बरसात करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कप्तान रोहित शर्मा भी बड़ी जिम्मेदारी भी है, लेकिन हमारे पास अगर एक विकेट भी गिर गया, जैसे कि शुभमन गिल आउट हो चुके हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो कि आज टीम इंडिया को, जिस तरीके से पूरा देश एक जश्न मना रहा है, बड़ी उम्मीदें हैं टीम इंडिया की कि जो लगातार हम जीत का जो दर्जा हासिल करेंगे। कहीं ना कहीं अगर कप्तान की बात करते तो उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है,
लेकिन रोहित शर्मा से उतनी ही उम्मीदें हैं और विराट कोहली से भी उतनी ही उम्मीदें थे। जो तरीके से पूरा देश जश्न का माहौल मना रहा है, हमें यही उम्मीद है कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीतने वाली है। नंदिनी, उत्साह देखने को मिल रहा है टीम इंडिया पूरी नीली जर्सी से। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद भरा हुआ है, आपको लगता है निश्चित रूप से दुआएं हैं, 142 करोड़ की जनता यहाँ हिंदुस्तान यहाँ खेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम अपने पक्ष में आने वाला है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज कौन सा प्लेयर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है? सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। जो हम पिछले मैचों की बात करें, 10 मैच टीम इंडिया इस बार जीती है, ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार चुकी थी, तो कहीं ना कहीं लगा था कि वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम को इतने हल्के में भी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टीम इंडिया को प्रेशराइज होने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम इंडिया बेहतर परफॉर्मेंस दी है इस बार और हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। ठीक है, तो हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। मुस्कान, यहाँ पर देखा हो हमारे जो कलीग है, हमारे न्यूज रूम के जो तमाम साथी हैं, उनका कहना यही है कि इस बार हमको घबराने का सकता नहीं है। विकेट जरूर गिरा है पर हमारा ताबड़तोड़ प्रदर्शन जारी है जो पिछले 10 मैचों से हमको नजर आया था और इस मैच में भी जारी है। और हमारे साथ न्यूज रूम से संदीप मौजूद हैं। संदीप, महत्वपूर्ण मैच है और महत्वपूर्ण मैच में यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से रोहित शर्मा खेल रहे हैं, विकेट जरूर आउट हुआ है, किस तरह देखते हैं? और यहाँ पर चूंकि पहले बल्लेबाजी का फैसला यहाँ पर टीम इंडिया को मिला है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर टॉस जीता है, किस तरह देखते हैं मैच? गौरव जी, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार वर्ल्ड कप तो हमारा है, या आप अभी हमसे साइन करा के ले लीजिए, वर्ल्ड कप हमारा है। लेकिन एक बेहतर चीज़ ये होगी इस फील्ड पर कि अगर इंडिया टीम इंडिया 315 या 320 का, मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ कि इतना अगर होता है स्कोर तो पक्का इंडिया जीत रही है हमारी। तो ये न्यूज रूम वालों के लिए क्या करने वाले हैं, ये भी पूछे इनसे। चलिए, आप लिख के देंगे, पर ये बताइए अगर टीम इंडिया बड़ी जीत हासिल करते न्यूज रूम के लिए क्या पार्टी होने वाली है? ये तो सर समय बताएगा, क्योंकि पार्टी तो निश्चित तौर पर होने ही वाली है। और ये तो है ही बात, तो आज इंडिया जीत रही है और 125 करोड़ जो हमारे देशवासी है इसका पूरी तरीके से आनंद लेने वाले हैं। और ये जो चल रहा है धर्म युद्ध कह सकते हैं आप, तो ये फाइनल हमारा ही है। समय के साथ आप भी देखेंगे कि जैसे ही जैसे घड़ी बढ़ती जाएगी और हम जीत की तरफ बढ़ते जाएंगे। भले ही पहले टीम इंडिया बैटिंग कर रही है, इस पिच की बात अगर की जाए तो काली मिट्टी की पिच है सर, तो ये काली मिट्टी की पिच है, तो जिस पर सेकेंड टाइम पर बॉलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जो ड्यू फैक्टर होता है उसको भी अगर लिहाज में देखें कि ड्यू फैक्टर अगर रहता है तो उसे बॉलिंग करना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप जो कह रहे थे कि दूधिया लाइट में बैटिंग करना भी उतना ही मुश्किल होने वाला है, तो सर जो हमारा दिल कहता है वो तो इंडिया जीतेगी। थोड़े से आंकड़े देखे जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुकते दिखाई दे रहे हैं। अगर स्कोर की बात करें तो मैं ये लिख कर कह रहा हूँ कि अगर टीम इंडिया 320 का आंकड़ा पार करती है तो ये वर्ल्ड कप हमारा है, हमारा ही रहेगा। तो वर्ल्ड कप हमारा है, हमारा ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग शोर मचा रहे हैं कि यहाँ पर, क्योंकि ये न्यूज रूम का जो आप देख रहे हैं किस तरह लोग यहाँ पर खुश हैं और जिस तरह से आप हल्ला कर रहे हैं वो बताते हैं कि बड़ी खुशी इनके अंदर, बड़ा उत्साह है। और ये उत्साह केवल प्राइम टीवी के न्यूज रूम में नहीं, बल्कि उत्साह 142 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में है। और वो उत्साह यहाँ पर इंडिया टीम के खिलाड़ियों में है और सभी के मन में है, सभी के इस समय दिमाग में है, क्योंकि उत्साह यहाँ पर रोहित शर्मा भी लगातार दिखा रहा है। और इंडिया टीम का स्कोर इस समय 44 हो चुका है और यहाँ पर रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर संदीप ने कहा है कि बड़ी पार्टी होने वाली है, बड़ी पार्टी केवल और केवल यहाँ पर प्राइम टीवी में नहीं, लखनऊ में नहीं, नोएडा में नहीं, दिल्ली में नहीं, बल्कि पूरे देश में होने वाली है, क्योंकि इंडिया यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है, क्योंकि इंडिया यहाँ पर मेहनत कर रहा है। नहीं बोलती है, बहुत शांत स्वभाव की है और लाजमी है आज तो नहीं बोलने वाला भी जोर शोर से इंडिया के लिए जो शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी आवाज में जोश है। रिचा से बात करें और उनसे पूछे कि इस मैच को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि फिलहाल एक विकेट भले ही गिर चुका है लेकिन इस वक्त क्रीज पर रोहित शर्मा और विराट कोहली है। गौरव, रिचा से बात करिए। रिचा से मैं बात करूंगा, रिचा से भी पूछूंगा कि रिचा क्या स्थिति, क्योंकि यहाँ पर रिचा हमारे यहाँ की अगर प्राइम टीवी के न्यूज रूम की बात करें
तो शांत जो है कलीग साथी हैं, बहुत कम बोलती हैं पर काम उनका बहुत अच्छा है, बहुत संजीदा है यहाँ पर साथी हमारे। चाह मैच बड़ा है पर आज तो बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर केवल बीओ नहीं बल्कि यहाँ पर बात टीम इंडिया की बात यहाँ पर वर्ल्ड कप। जैसा कि हमने देखा अभी तक के सारे मैच में टीम इंडिया का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मोहम्मद शमी हो गए, विराट कोहली हो गए, इन सब खिलाड़ियों से हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। भले ही शुभमन गिल आउट हो गए हो और 4 रन बना के आउट हो गए हो, लेकिन फिर भी विराट कोहली है, रोहित शर्मा भी आज फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ठीक है गौरव, यानी कि ऋचा के मुताबिक सभी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। देखिए अक्सर हमने देखा है ना, ये जो हमारी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर जो ये वीडियोस चल रहे हैं, फोटोज चल रहे हैं, ये बड़ा काम करने वाले जो हमारे एडिटिंग डिपार्टमेंट है उनका रुक कर ये वो उस मैच को लेके क्या सोचते हैं, और हेडफोन्स पहले सबके उतरवाएंगे गौरव, क्योंकि आज तो भाई बस इंडिया इंडिया सुनाई देना चाहिए। मुस्कान जो नहीं बोला गया वो भी बोलना चाहेगा और मैं बुलवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बात न्यूज रूम की है और प्राइम टीवी के न्यूज रूम में फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर प्राइम टीवी के एडिटिंग के हेड मिस्टर संजय गौतम जी मौजूद है और आज इनको हेडफोन मैंने इनका उतरवा दिया है, जो आपने कहा था मैं पूरा किया है। संजय यहाँ बताएंगे कि टीम इंडिया का प्रदर्शन क्या रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 50 रन बन चुके हैं और ताबड़ तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा की जारी है, जो कि बेखौफ अंदाज में अपने रिकॉर्डों को परे रखकर टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। संजय क्या लगता है मैच को लेकर और यहाँ पर जैसे बल्लेबाजी चल रही है, कितना रन बनाने वाले हैं और किस तरह जीतेंगे? 300+ हैं। अच्छा 300+ है, 300+ बनेंगे और पक्का जीतेंगे। अच्छा लेकिन गौरव अक्सर न्यूज रूम में देखा गया है कि विराट कोहली को लेकर जो संजय सर है इनकी कुछ अजीबो गरीब प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, आज उनकी उम्मीदें किससे हैं? देखिए संजय शर्मा जो संजय हमारे साथ मौजूद है, संजय की हमेशा प्रतिक्रिया अलग ही रहती है, पर एक बार पूरे चूंकि यहाँ पर न्यूज रूम में हम लाइव कर रहे हैं तो संजय जरूर पूछेंगे कि टीम इंडिया को विजयी करने के लिए बेस्ट ऑफ कहने के लिए वो क्या कोई अलग अंदाज अपनाने वाले हैं? बस शांति से मैच देखेंगे सर। अच्छा मैच देखेंगे और एंजॉय करेंगे। जी सर, तो शांति से मैच देखेंगे और यहाँ पर एंजॉय करेंगे, पर यहाँ पर एंजॉय होगा 10:30 के बाद, क्योंकि यहाँ पर तब फैसला हो जाएगा कि इस बार विश्व विजेता कौन बना है। और जिस तरह से इंडिया टीम लगातार खेल रही है, उसकी मेहनत चल रही है, 20 साल पुरानी घटना को दरकिनार करते हुए और इस बार जो टीम इंडिया है जो कि टीम रैंकिंग नंबर 1 पर मौजूद है, वो बताती है कि इस बार वर्ल्ड कप हमारा है। और पिछले 10 कदम दिखाते हुए टीम इंडिया ने स्पष्ट भी कर दिया है कि जो हमने दिखाया है वही यहाँ भी करने वाले हैं और विश्व कप यहाँ पर तीसरी बार जीतने वाले हैं। तो हमारे सर फिलहाल न्यूज रूम से इनपुट से अभिषेक जुड़े हुए हैं। तो अभिषेक महत्वपूर्ण मैच है और महत्वपूर्ण मैच में यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी मैं लेना चाहूँगा, कैसे यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक कहेंगे टीम इंडिया को? अलग टीम इंडिया का परफॉर्मेंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है, उसको देखते हुए टीम इंडिया बिल्कुल जीतेगी और ये कप हमारा है। बहुत सारे चैनल ये चला रहे हैं लाइन ये कप हमारा है, तो ये हकीकत में ये कप हमारा है। अभिषेक हकीकत में ये हमारा है, मेहनत नजर आ रही है, रोहित शर्मा को लेकर भी तमाम तरह की बातें कही जाती रही हैं, पर रोहित शर्मा ने जिस तरह से यहाँ पर बेखौफ अंदाज में वो अपने रिकॉर्डों को दरकिनार करते हुए टीम के लिए खेलते हुए मजबूत आधार दिया है और ये आधार हमने मैच दर मैच देखा है। क्या कहेंगे रोहित शर्मा? रोहित शर्मा एक बहुत अच्छा प्लेयर है, वो शुरुआती ओवरों में बहुत अच्छा रन बनाते हैं और टीम इंडिया को एक अच्छा स्टार्टअप देते हैं, वही आज भी हो रहा है। शुभमन गिल आउट जरूर हो गए हैं लेकिन रोहित शर्मा से और विराट कोहली से लोगों को बहुत उम्मीद है। ये पिच जो है ये स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं जाते, अभी तक इस वर्ल्ड कप के 4 मैच खेले गए हैं इस पिच पर, लेकिन स्कोर 300 का आंकड़ा कोई टीम नहीं छू पाई है, बस एक ऑस्ट्रेलिया ही है जो इंग्लैंड के खिलाफ एक अच्छा स्कोर बनाई थी और जीत भी दर्ज की थी। लेकिन गौरव देखिए अभी लगातार अभिषेक जिक्र कर रहे हैं कि एक विकेट गिर गया है और ये लगातार मैच पर अपनी पैनी निगाहें बनाए रखते हैं, चाहे मैच किसी भी टीम का हो, इन्होंने हर एक मैच को बेहद करीब से देखा है। आज अभिषेक से ये सवाल करिए कि फिलहाल आज वो न्यूज रूम में बैठे हैं, एक बड़े स्क्रीन पर देख रहे हैं मैच, कौन सी टीम अभी ज्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल अभिषेक, निश्चित रूप से सभी मैचों पर तुमने अपनी राय दी है, समीक्षा की है और देखते रहते हो, क्रिकेट प्रेमी भी हो, क्रिकेटर भी रहो, तो क्या लगता है यहाँ पर कौन सी टीम यहाँ पर डोमिनेट करती नजर आ रही है, दूसरी टीम को स्ट्रगल कौन कर रहा है? स्ट्रगल तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चेस करेगा उसके लिए थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं कि दुधिया रोशनी में दिक्कतें होती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा टफ होगा क्योंकि अपने पास एक अच्छे स्पिनर भी हैं, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, बुमराह, ऐसे बॉलर हैं, इनके सामने इनका टिक पाना बहुत मुश्किल है और हम जीत के ही रहेंगे, क्योंकि आज 20 साल बाद वो मौका आया है जब ऑस्ट्रेलिया से मेरा मुकाबला फाइनल में पड़ा है। 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया
ने हमको कुछ रनों से शिकस्त जरूर दी थी, लेकिन आज हम बदला जरूर लेंगे और कप लेकर रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर 2003 का ये, क्योंकि स्टेडियम बांडर्स स्टेडियम नहीं है, जोहान्सबर्ग का, ऑस्ट्रेलिया का नहीं बल्कि स्टेडियम है नरेंद्र भाई मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का, और ये पिच है भारतीय जमी, तो यहाँ पर परिणाम भी बदलने वाला है और यहाँ पर एक ऐसा रिकॉर्ड ही बनने वाला है जिसकी हम लोग लगातार लंबे समय से उम्मीद बनाए बैठे हैं। हमारे साथ इस पर जो प्राइम टीवी की स्क्रीन को लेकर बहुत कुछ मेहनत करने वाले परासर मौजूद है, मृत्युंजय परासर हमारे साथ मौजूद है, वो मृत्युंजय भी लगातार तमाम चीज़ों को लेकर अपनी राय विभागीय रखते हैं और निश्चित रूप से इनकी मेहनत भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। हमारे साथ ग्राफिक आर्टिस्ट, हमारे सीनियर ग्राफिक आर्टिस्ट मृत्युंजय भी है। मृत्युंजय, किस तरह देखते हो मैच को, क्योंकि बुंदेलखंड से आप आते हो, वहाँ पर भी क्रिकेट बहुत खेला जाता है। जैसा कि अभी तक जो प्रदर्शन रहा बहुत अच्छा रहा, और जितनी भी मतलब कि चीज़ें रही हैं, 10 मैच जीता है अभी इंडिया, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। मैं बस यही कहना चाहूँ, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। पर कोई आधार तो होगा, पर असर किस तरह इंडिया टीम औरों से अलग है? औरों से अलग, जैसे हमारे पास जो शमी हो गए, विराट हो गए, रोहित हो गए, इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं और इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है कि बहुत ही देखने लायक है। पर ऐसे सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अब तक देखा जाता रहा है कि बैटिंग अटैक हमारा हमेशा से बहुत बेहतर रहा है, पर इस बार जो जीत हमने दर्ज की है वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी हमने बहुत अच्छे परिणाम लाए, खासतौर सीमर की बात करें या जो स्पिनर की बात करें, सबने अपनी भूमिका निभाई। तो यहाँ पर किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है? इस समय देखिए, आप देख भी रहे होंगे, शमी एक ऐसा चेहरा है जो इस समय बहुत चर्चा में है और सब लोग शमी के ऊपर आकर्षित होकर आगे मैच को देखना चाह रहे हैं कि शमी आगे क्या करेंगे। बस मैं ये कहूंगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। तो जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया की बॉल पर लगातार जो 3 चौके लगाए हैं और रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रीज पर हैं, भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका है। विराट कोहली से पराशर को कितनी उम्मीदें हैं, क्या सोचते हैं वो आज के परफॉर्मेंस को देखकर विराट कोहली के बारे में? बिल्कुल नमस्कार, यहाँ पर विराट कोहली से सबको उम्मीदें हैं, पराशर को भी उम्मीदें हैं और हमारे जो अन्य साथियों को भी उम्मीदें हैं और 142 करोड़ हिंदुस्तानी को भी उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आज फाइनल है वो किसी जाति धर्म का फाइनल नहीं बल्कि न किसी वर्ग का फाइनल है, बल्कि ये फाइनल है हिंदुस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है, विश्व कप का। यहाँ पर पूरे देश में यहाँ पर सब लोग अलग अलग व्यवस्थाओं से अलग अलग प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं नमाज पढ़ी जा रही है, कहीं दुआएँ की जा रही है, कहीं चादर चढ़ाई जा रही है, सबका केवल एक सपना यहाँ पर है कि इंडिया इंडिया और विश्व कप इस बार हमारा होना है। पारसर का दोबारा रुख करते हैं, पारसर, विराट कोहली आपके हमेशा से फेवरेट खिलाड़ी रहे हैं, तो विराट कोहली को लेकर क्या कहेंगे? विराट कोहली नाम ही है विराट, तो इस बार विराट जीत होने वाली है। अच्छा, और विराट के बारे में कहना ही क्या है, क्योंकि विराट 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 है, पर विराट यहाँ क्या चमत्कार करने वाले पारसर? जैसा कि आपने देखा है कि शतक, इनके शतक जो आपके सचिन तेंदुलकर उनके बराबर पूरे हो गए हैं, और सचिन तेंदुलकर के बराबर जो विराट अपनी जीत दर्ज करने जा रहे हैं वो विराट कोहली हैं। इंडिया को बेस्ट ऑफ कैसे कहेंगे? इंडिया इंडिया इंडिया, ठीक है, तो इंडिया इंडिया इंडिया। और हमारे साथ यहाँ पर जूनियर ग्राफिक आर्टिस्ट भी मौजूद है, रिया, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से काम करती रहती हैं। रिया, क्या बोलेंगे इंडिया के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण मैच है और आपकी इच्छा भी यही बोलती है, वो मुस्कुराहट बताती है कि चाहती है कि इंडिया यहाँ पर विश्व कप जीते। बस यही चाहते हैं कि इंडिया ही जीते, और क्या। क्या लगता है यहाँ कौन अच्छा खेलने वाला है? विराट 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 और रोहित, बस। तो यहाँ पर विराट और रोहित खेलने वाले हैं और सभी यहाँ पर अच्छा खेलने वाले हैं। कुछ साथी हमारे साथ और मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे, मुस्कान, जो कि इस मैच को लेकर लगातार सरगर्मी बने हुए हैं। और यहाँ पर फिलहाल हमारे साथ और साथी मौजूद है, सचिन से मैं पूछूंगा, जो कि टोपी लगाए हुए हैं और खिलाड़ी भी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं और लगता भी है क्रिकेटर हैं, ठीक है। सचिन, क्या होने वाला है आज के मैच में, क्योंकि यहाँ पर सब मेहनत कर रहे हैं? सर, इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी, क्या कोई अलग आधार है इंडिया का जीतने का, क्योंकि कंटिन्यू जीतती आ रही है? आंकड़ा ज्यादा रखती है इस पर। कितनी चुनौती यहाँ ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर 2003 का नहीं बल्कि 2023 का विश्व कप फाइनल है? अब ये कहना बहुत मुश्किल है, ये कहना मुश्किल होगा। चुनौती नहीं पता है, पर सबके मन में एक ही बात है कि इंडिया यहाँ पर जीत रही है। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव भी है एडिटिंग सेक्शन से, उनसे ही पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर काम जरूर सब लोग कर रहे हैं पर सबके मन में एक ही बात है, वो है इंडिया। और सब यहाँ पर सबकी नजरें केवल स्क्रीन पर भी हैं, बीच बीच में स्क्रीन पर चली जाती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग स्कोर भी देख रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया मैच में बना हुआ है और इंडिया यहाँ पर मैच में लगातार प्रेशर कर रहा है। और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी बताती है कि जो मेहनत होती है वो रंग लाती है, और पिछले 10 कदम हम देख चुके हैं और फिलहाल यहाँ पर दम 11वें का जारी है और यहाँ पर मैच में लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी हुई। धर्मेंद्र यादव से बात करेंगे। सर, इस बार इंडिया जीतेगी और विराट जीतोगी, क्योंकि विराट खेल रहे हैं इस बार,
इसलिए विराट जीत होगी। तो विराट जीत होगी और विराट कोहली यहाँ पर साथ हैं, पर यहाँ पर टीम इंडिया को लोग अलग तरीके से विश कर रहा है, बेस्ट ऑफ लक कह रहा है। धर्मेंद्र तुम कैसे बेस्ट ऑफ लक कहोगे? सर हम भी जो है इंडिया के लिए जो है विराट जीत होगी इंडिया के लिए, इसीलिए जो है खुशी मना रहे हैं। तो विराट यहाँ पर जीत होने वाली है क्योंकि यहाँ पर विराट कोहली भी हैं और सबका कहना यहाँ पर यही है कि जो मेहनत होती है तो रंग लाती है और विराट कोहली का पिछला प्रदर्शन और टीम इंडिया का 10 का दम हम लिख चुके हैं और यहाँ पर अब दम समय आ गया है देखने का 11वां मैच यानी तो बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद गौरव न्यूज रूम से, जो तमाम हमारे सहयोगी हैं वो उस मैच को लेके क्या सोचते हैं ये बताने के लिए और साथ ही हमारे दर्शकों तक ये पहुंचाने के लिए कि देखिए हमारे दर्शक आज भले ही अपने घरों में बैठकर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हो, थिएटर्स होटल रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन पे मैच देख रहे हैं, लेकिन भाई हम लोग आज भी काम कर रहे हैं, आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, आप तक मैच की पल पल की अपडेट लगातार प्राइम टीवी पहुंचा रहा है। तो न्यूज रूम से भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े और देखिए इस वक्त क्रीज पर मौजूद है रोहित शर्मा और विराट कोहली और दोनों की ही साझेदारी ने जो भारत का स्कोर है वो फिलहाल 50 के पार पहुंचा दिया है। जो मुकाबला है वो रोमांचक हो चुका है। अभी इस वक्त अगर हम क्रीज की बात करें तो क्रीज पर इस वक्त रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, दोनों ही शानदार बल्लेबाज है। विराट कोहली ने हर एक मैच में कोई नया रिकॉर्ड कायम किया है और विराट कोहली इस वक्त अपने विराट फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभी क्रीज पर लगातार रोहित शर्मा और विराट कोहली की दमदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। अब ये साझेदारी से जो भारतीय हैं, जो भारतवासी हैं, उन्हें काफी उम्मीदें हैं और ये मैच लगातार जारी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।